खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर धूम्रपान महंगा पड़ता है धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी धूम्रपान पड़ेगा महंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है आज आपका स्वागत है अजय मूवीज रिव्यू चैनल पे आज हम बात करेंगे हैप्पी न्यू ईयर मूवी की फुल हिंदी में स्टोरी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं तो इस फिल्म में चंद्रमोहर चार्ली स्तरमा एक स्ट्रीट फाइटर है जो आठ साल से प्रसिद्ध सुरक्षा आपूर्तिकर्ता और सालीमार सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्लोवर से बदला लेने के लिए तड़फ रहा है ग्रोवर ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ग्रोवर ने मनोहर को पंद्रह मिलियन डॉलर के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था और तीन सौ करोड़ यानी कि उनतालीस पॉइंट अड़तालीस मिलियन के हीरे अंटरलास्टिक होटल दुबई पहुंचेंगे और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चार्ली हीरे चुराना और ग्रोवर को फेम करना चाहते हैं इसे पूरा करने के लिए वो टी एक टीम बनाता है और पूर्व कप्तान जगमोहन जग, जग यानी कि प्रकाश शून्य में कठोर व्यक्ति और हेमटन टेमिलो टैमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती प्रमण सुरक्षाकर्मी है जो मनोहर का सबसे अच्छा दोस्त था रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हाइकर है जो जग का भतीजा है और चरण के बेटे ग्रोवर के हमसकल नंदू से भिड़े हैं चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा नौ सी तिजोरी से जुड़ा हुआ है जो एक एक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखता है हालांकि कमरा नौ सी वर्ल्ड डांस चैंपियन डब्ल्यू में भाग लेने वाले टीमों के लिए आरक्षित है समूह ने तुरंत डब्लू में शामिल होने से इनकार कर दिया और यह इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी नृतक नहीं था लेकिन चार्डी ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए मना लिया एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि चरण गोवर ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अवैध तिजोरी सालीमार बनाने का ठेका दिया था तिजोरी पूरी होने के बाद चरणे मनोहर को नशीला पदार्थ पिला और अपनी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राज़ी कर लिया था समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को नियुक्त करने की कोशिश करता है और हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार डांसर मोहिनी से मिलवाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण में प्रभावित होती है और अंततः उनके इरादों से अनजान उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आते हैं वे पहले दौर में आहता प्राप्त करने का प्रबंधन करती हैं और अंत में हाइकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके डब्लू में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं कई दशक पहले कई दर्शक उनके कौशल की कमी के लिए उनका तिरस्कार करते हैं लेकिन चार्ली और उनके टीम मोहिनी के बिना सभी केवल डकैती से चिंतित हैं और दुबई में टीम कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है जिसमें उनके प्रयोजक ग्रोवर भी शामिल हैं और सेमीफाइनल में, में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस रंट के दौरान गंभीर चोट से बचाते हैं दर्शकों से तुरंत सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करते हैं योजना पर जाने के बाद सब कुछ तैयार है दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोकता है और सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीशों से प्रभावित होने के बाद भारत फाइनल में पहुंच गया है डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है और गिरफ्तारी के बाद मनोहर मुकदमे की अपील की लेकिन ग्रोवर ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूत के साथ छेड़छाड़ की मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली और हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक ख़ास पल साझा करते हैं जहां मोहिनी उनकी मदद करने लगती है और अंतिम दौर की रात डकैती शुरू हो जाती है मोहिनी विक्की को लिफ्ट में फुसलाती है और उससे खटकाया जाता है उसका अंगूठा जग द्वारा लिया जाता है और नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है जो कच्छा खोलता है और टैमी सफलतापूर्वक तिजोरी खोलती है और हालांकि चार्ली और टैमी को एक और ग्लास तिजोरी मिलती है जिसमें हीरे रखे होते हैं इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें सात अक्षर का पासवर्ड था चार्ली ने तिजोरी खोली और यह महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाती है लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है वो बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वो भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी रोहन भी उसका साथ देता है जिससे बाकी सदस्यों के बीच लड़ाई हो जाती है जब टीम इंडिया गायब पाई जाती है तो ग्रोवर का दावा है कि वह चोर हैं मोहिनी मंच पर आती है और कुछ मिनटों के लिए अकेली ही परफॉर्म करती है कि इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले ग्रोवर दिखाई देते हैं चार्ली अंत में प्रकट होती है और टीम प्रतियोगिता जीत जाती है चरण और बिक्की ग्रोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जेब में रख दिया उसी रेजर ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी और वह देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है उसका बदला पूरा हो गया टीम इंडिया एयरपोर्ट पहुंच गई और चार्ली अपने शीतल पेय में हीरो को छलनी कर देता है लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देता है जिसमें टीम तबाह हो जाती है हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया कि उसने नकली हीरे को असली हीरे के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया टीम भारत पहुंच जाती है क्रेडिट के बाद दृश्य में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के कारण बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है और रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार लोकप्रियता हासिल करता है जबकि जग पहले बनाई जा रही फिल्म का निर्देशन करता है जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक होता है जो जग ने पहले किया था टेमी के पास अब कई बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही होती हैं तभी लंबी सज़ा पाने के बाद चरण और बिक्की ग्रोवर अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं मोहिनी अपना खुद का डांस स्कूल खोलती है और चार्ली एक हीरे से बनी अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है फिल्म समाप्त हो जाती है और वे सभी गले मिलते हैं और कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए फिल्म समाप्त होती है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में शाहरुख खान चंद्रमोहन के रूप में हैं और दीपिका पादुकोण मोहिनी जोशी के रूप में चार्ली की प्रेमिका और नंदू की दूर के रिश्तेदार और मोहिनी डांसर स्कूल की संस्थापक हैं और अभिषेक बच्चन दोहरी भूमिकाओं में हैं नंदू भिंडे और चार्ली के दोस्त के रूप में चरण गोर के रूप में बिकी गुरोवर हैं और सोनू सूद कैप्टन जो जगमोहन के रूप में हैं और टेंथन टाइमी ईरानी के रूप में बोमन ईरानी और मनोहर और चार्ली के करीबी दोस्त हैं और बिवन हैं और सारी मारसी कोटेज के मालिक चरण ग्रोवर के रूप में जैकी श्राफ हैं जिन्होंने मनोहर को धोखा दिया और उनकी कंपनी का मालिक है टीम कोरियाई लीडर के रूप में जेसन थाम हैं और सुबोध सिंह चरण के सहायक के रूप में मोहन कपूर हैं और वरुण पुरथी हैं और कवि शास्त्री हैं और हीरे के मालिक के रूप में रियो कपाड़िया हैं अनम अनुपम खेर मनोहर शर्माचार्य के पिता और एक बुद्धिमान व्यवसायी के रूप में हैं और निमिता ईरानी के रूप में डीजी ईरानी टैमी की मां के रूप में हैं लैला के रूप में सारा जैन डयास डब्ल्यू में भारत के राजदूत हैं और वर्ल्ड चैंपियंस के होस्ट के रूप में डीनो मोरिया हैं और सरोज खान के रूप में कीकू शारदा हैं और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में प्रभु देवा हैं और मलाइका अरोरा मोनिका झावर के रूप में एक फिल्म की नायिका हैं और अरुणा कश्यप वर्ल्ड डांस चैम्पियन ऑडियंस के चयन जज के रूप में हैं विश्व नृत्य चैंपियन ऑडियंस के चयन न्यायाधीश के रूप में विशाल दलदरानी हैं और साजिद खान एक फिल्म के निर्देशक के रूप में हैं गीता कपूर स्वयं हैं तो हैप्पी न्यू ईयर फराह अख्तर द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह और जैकी श्राफ जैसे कलाकारों की टुकड़ी है और इसे यश राज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म में हारे हुए लोगों का एक समूह खुद को एक ऐसी टीम में बदल देता है जो शहर और दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेती है और यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की डकैती को अंजाम देने वाली उनकी खोज के हिस्से के रूप में है तो फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान और इसकी पटक कथा लिखी है फराह खान ने और इस फिल्म में संवाद दिया है मयूर पुरी ने और आलिथा कौशल ने कहानी लिखी है फराह ख़ान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है गौरी खान ने तो फ्रेंड्स इस फिल्म को वितरित करने वाले हैं फिल्म फिल्म के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है तो फेंस इस फिल्म को अभिनित किया है शहरुख खान दीपिका पादकौंड अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह और जैकी श्राफ हैं और इस फिल्म का छायाकन किया है मानुष नंदन ने और इस फिल्म को संपादित किया है आनंद सुभैया और तुषार परेख ने और इस फिल्म में संगीत दिया विशाल शेखर और डॉक्टर जूस और पृष्ठभूमि स्कोर जॉन स्टीवर्ड एडुरी हैं प्रोडक्शन कंपनी है, है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और इस फिल्म की रिलीज़ डेट 30 अक्टूबर 2014 को दुबई में और 24 अक्टूबर 2014 को भारत में रिलीज किया गया था तो इस फिल्म को अंग्रेज़ी में भी बनाया गया है तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बजट की बात इस फिल्म का कुल बजट था 150 करोड़ और अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था तीन करोड़ तो 150 करोड़ यूएस चौबीस मिलियन के कुल बजट पर निर्मित फिल्म ने मुख्य अभिनेता निर्माता और निर्देशक तीसरे सहयोग को चिन्हित किया है उन्होंने पहले मैं हूना दो और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था जिनमें से बाद में दीपिका पादकौर ने मुख्य भूमिका निभाई थी और हैप्पी न्यू ईयर को दिवाली 2014 में तमिल और तेलुगु में डब की संस्करण के साथ रिलीज किया गया था और हिंदी में लगभग बयालीस स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में आठ स्क्रीन प्राप्त किए थे जो अब तक की भारत में सबसे बड़ी फिल्म रिलीज थी और इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन और विशेष रूप से खान और वच्चिंग की साउंड ट्रैक हास्य सिनेमोटोग्राफी और एक्शन दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइन और दृश्य प्रभावों की सराहना की गई है लेकिन लेखन लंबाई और गति की आलोचना की गई है इसने अपने शुरुआती दिन में भारत में पच्चीस करोड़ यूएस 4.1 मिलियन की कमाई की और अंत में दुनिया भर में कुल तीन करोड़ यू एस मिलियन की कमाई की थी साठवें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से हैप्पी न्यू ईयर को दो नामांकन मिले और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अभिषेक बच्चन और सर्वश्रेष्ठ महिला परसुगायिका श्रेया घोषाल और मनवाला के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज फिल्म की स्क्रिप्ट को अपने पुस्तकालय में प्रदर्शित किया है और अमिताभ बच्चन शाहरुख खान अक्षय कुमार जूही चावला मनीषा कोयराला अमीषा पटेल प्रियंका चोपड़ा रवीना टंडन और जायद खान की कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म की योजना 2005 में शुरू हुई और फिल्म को अज्ञात कारणों से रोक दिया गया था और इसके वजह फराह खान ओम शांति ओम 2007 बनाई जिसमें खान और दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म मार खान के बाद 2010 में फराह खान ने फिल्म की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया था और पठक कथा लेखन अक्टूबर 2012 तक पूरा हो गया था जब फिल्म को पुनर्जीवित किया गया तो फिल्म निर्माता खान के साथ मुख्य भूमिका में एक स्थापित अभिनेत्री चाहते थे लेकिन दिसंबर 2012 में मीडिया ने बताया कि निर्माताओं ने इस भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया था जो पठक कथा में बदलाव के बाद फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थी हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने तारीखों के मुद्दे के कारण फिल्म को ठुकरा दिया शेड्यूल उनके द्वारा साइन की गई एक और फिल्म के साथ टकरा रही थी इस भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था जैसे सोनाची सिन्हा आशीन ऐश्वर्या राय बच्चन परिणिधि चोपड़ा और कैटरीना कैफ हालांकि दीपिका पादकौण को अंतिम रूप में कॉष्ट किया गया था जिससे यह खान के साथ उनकी तीसरी फिल्म बन गई थी ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस दो खान को फिल्म में एक चोर कलाकार की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी जिसमें दीपिका एक मराठी नर्तकी की भूमिका में थी और एक समय में जॉन अब्राहम को एक सहायक भूमिका निभानी थी लेकिन उनकी जगह सोनू सूद ने ले ली थी बोमन ईरानी की पुष्टि निर्देशक ने एक साक्षात्कार के दौरान की थी जिसे अगस्त 2013 में तेरह में जयकी श्राफ को फिल्म के प्रतिभा की भूमिका के लिए अंतिम रूप दिया गया था निर्देशक के भाई साजिद खान अतिथि की भूमिका में होंगे जबकि अभिनेत्री माइलका अरोड़ा खान को भी कैमियो में शामिल होने के लिए साइन किया गया था विवान शाह को एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अभिनेता निर्देशक प्रभुदेवा ने एक कैमियो में नृत्य किया था तो फरा ने ट्विटर पर एक इसकी आधिकारिक घोषणा की और फिल्मांकन का पहला शेड्यूल नवंबर दो की शुरुआत में दुबई में शुरू हुआ था अरेबियन बिजनेस ने बताया कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा प्रतिष्ठित अंटलास्टिक द पाम मिंग शूट किया जाएगा जिसे 23 जनवरी 2014 को शाहरुख खान मुंबई के जेड ई डब्ल्यू यू मेरिट होटल में शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे हालांकि शुरुआत में उसे नाबालिग बताया गया था और उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी और बाया घुटना फट गया था इसीलिए उसे थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी गई थी तो महबूब स्टूडियोज को प्रमुख स्थानों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया गया था जबकि कुछ हिस्से विलन्स कॉलेज के पास फिल्माए गए थे अंतिम कार्यक्रम अगस्त 2014 में पूरा किया गया था तो फरा खान चाहती थी कि शाहरुख खान अपने लंबे बाल कर लें ताकि वह कंधे तक लंबे बाल रख सकें तो प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से वैकृत पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराए गए थे और शाहरुख खान दीपिका पादुकोण बोमन ईरानी सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टी एम के ओ सी के सेट पर की गई थी तो रैपर यो यो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस्लैम शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पर यात्रा की और ह्यूस्टन में 19 सितंबर से शुरू होकर यह न्यू जर्सी वाशिंगटन टोरंटो शिकागो बैकलूवर और सैन जोस में हुआ था स्लेम 5 अक्टूबर को भी यूनाइटेड किंगडम के लिए जारी किया गया था जिसे 11 अक्टूबर 2014 को एड्राइड और आई के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक एक फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक गेम जारी किया गया था इसे प्रोडक्शन कंपनी और भारतीय खेल कला आउट सेटिंग स्टूडियो गेम शास्त्र इंडिया के सहयोग से बनाया गया था तो यश राज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार वन पॉइंट पच्चीस मिलियन यू एस बीस पॉइंट अड़तालीस मिलियन में बेचे गए थे इसे सैटेलाइट अधिकार जी फाइव नेटवर्क को छः सौ पचास मिलियन यू एस दस पॉइंट पैंसठ मिलियन में और संगीत अधिकार टी सीरीज और एक सौ बीस मिलियन यू एस एक सौ बीस मिलियन में बेचे गए थे जहाँ उन्होंने वन पॉइंट सत्तानवे मिलियन कुल मिलाकर 2.02 मिलियन यूएस 33.1 मिलियन की पूर्व रिलीज राजस्व अर्जित किया था हैप्पी न्यू ईयर का संगीत विशाद शेखर की जोड़ी द्वारा रचित है जबकि गीत ईसाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं और पूर्ण साउंटरिंग एक अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था इससे पहले 21 सितंबर को इंडिया वाले और 25 सितंबर को मनवालाके के लिए प्रचार संगीत वीडियो जारी किया गया था जिसमें एल्बम लॉन्च होने के बाद लवली नॉनसेंस की नाइट और सतकली गाने के प्रचार वीडियो भी जारी किए गए थे इंडिया वाले को जस्ट डांस नाउ जस्ट डांस 2015 डाउनलोड करने योग्य सामग्री के रूप में चित्रित किया गया था और यह जस्ट डांस अनलिमिटेड सेवा का हिस्सा था साउंड ट्रैक को संगीत समीक्षकों द्वारा ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं द टाइम ऑफ इंडिया में कास्मीन फर्नांडीज ने महसूस किया है कि एक चोरी की फिल्म के रूप में एक नृत्य प्रतियोगिता के आसपास केंद्रित है तो हैप्पी न्यू ईयर संगीतकार विशाल शेखर और गीतकार इसाद कामिल को धुनियों के साथ अपना रास्ता दिखाने के लिए भरपूर चारा प्रदान करता है और उन्होंने वितरित किया है कि साथ में सात मोल ट्रैक एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण एक विविधता एक मेडली और एक वाद संख्या हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रोहित वत्नी एल्बम को पाँच में से तीन सितारे दिए हैं और कहा है कि फराह खान गाने की गुणवत्ता की तुलना में अपनी फिल्म की भावना के बारे में अधिक चिंतित दिखती हैं और उन्हें आधुनिक धुनों के साथ जाने के लिए प्रेरित करती हैं कुल मिलाकर एल्बम औसत और केवल युवा उन्मुख है इस एल्बम के लिए लंबी उम्र हासिल करना मुश्किल होगा इंडिया डॉट कॉम के लिए प्रथमेश जाधव ने लिखा है कि एक मिश्रित बैग है इसके विपरीत कोई मोई के लिए आलोचक रेडर ने महसूस किया है कि हैप्पी न्यू ईयर एल्बम उतना असाधारण नहीं है जितना कि फिल्म दिखती है बॉलीवुड म्यूजिकल साउंड की अपेक्षा के साथ ये विशाल शेखर के एक नियमित एल्बम में आता है यहाँ तक कि हालांकि एल्बम मनवा लागे और कमली जैसे ट्रैक के साथ हिट होगा लेकिन यह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा तो इस फिल्म को दुनिया भर में फिल्म ने तीन करोड़ यूएस एस चौंसठ मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है तो हैप्पी न्यू ईयर चवालीस पॉइंट सत्तानवे करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया और ये एक ही दिन में आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी आमिर खान अमिताभ बच्चन कटरीना कैफ और फातिमा सनासेख आपने दो 2018 की दिवाली रिलीज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान द्वारा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था जिसने पहले दिन बावन पॉइंट पच्चीस करोड़ का सकल संग्रह किया था जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे अधिक है और यह रिकॉर्ड युद्ध द्वारा तोड़ा गया था जिसने संग्रह किया था और पहले दिन तिरपन पॉइंट पैंतीस करोड़ फिल्म ने शनिवार को शुद्ध रूप से दो सौ पचासी मिलियन की कमाई में गिरावट देखी और रविवार को संग्रह एक ही सीमा में थे शुरुआती सप्ताह में रिकॉर्ड नौ सौ सत्तर मिलियन नेट तक ले गए थे इस फिल्म ने दुनिया भर में अपने पहले सप्ताह में लगभग वन मिलियन की कमाई की और धूम थेरी के बाद किसी हिंदी फिल्म के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत थी फिल्म ने अपने पहले सोमवार को लगभग एक मिलियन की कमाई की और चार दिनों में कुल मिलाकर 1.09 मिलियन हो गई थी इसने कमाए और हफ्ते में फिल्म को लगभग सात सौ सत्तर मिलियन का भारी वितरक हिस्सा मिला फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में टू पॉइंट पैंतालीस अरब रुपए की कमाई की थी जो धूम थ्री के बाद अब तक की चौथी सबसे बड़ी कमाई थी इसने क्योंकि फिल्म ने सोमवार से कुछ सर्किट में एक अच्छी पकड़ बनाई थी जो पाँच दिनों में कुल 1.20 मिलियन नेट तक पहुंच गई थी हाइपिन ईयर ने अपने पहले सप्ताह में वन मिलियन की भारी कमाई और फिल्म का सप्ताह अच्छा रहा और सोमवार और मंगलवार को अखिल भारतीय संग्रह अच्छा रहा लेकिन बुधवार को इसमें गिरावट आई थी किक और चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करणों ने पहले सप्ताह में क्रमशः ग्यारह मिलियन नेट और छब्बीस मिलियन हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे शुक्रवार को लगभग 45 मिलियन नेट का अच्छा संग्रह किया था फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार और रविवार को लगभग सड़सठ मिलियन नेट और बानबे मिलियन की नेट कमाई के साथ भारी वृद्धि दिखाई थी हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे सप्ताह के अंत में लगभग 202.5 मिलियन की कमाई की जिससे उसका 10 दिन का कुल नेट वन मिलियन हो गया था फिल्म ने दूसरे सोमवार को लगभग तीस मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और दूसरे मंगलवार को 20 मिलियन की शुद्ध कमाई की और दूसरे बुधवार को 27.5 मिलियन की कमाई की थी तो हैप्पी न्यू ईयर ने अपने दूसरे सप्ताह में लगभग 353.8 मिलियन की कमाई की और कुल मिलाकर 1.685 मिलियन नेट हो गया था इसने अपने तीसरे सप्ताह में लगभग 45 मिलियन नेट की कमाई की जिससे इसका कुल नेट 1.73 मिलियन हो गया था तो हैप्पी न्यू ईयर ने तीसरे सप्ताह में लगभग 77.5 मिलियन नेट की कमाई की जो कुल वन पॉइंट छिहत्तर मिलियन नेट से थोड़ा अधिक है तो हैप्पी न्यू ईयर ने चौथे सप्ताह में पंद्रह पॉइंट छः मिलियन नेट और पाँचवें सप्ताह में तीन पॉइंट चार मिलियन की कुल कमाई की जिससे इसका कुल योग वन पॉइंट तिरासी मिलियन नेट हो गया था ये बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हैप्पी न्यू ईयर को सुपरहिट घोषित किया था इसका अंतिम घरेलू सकल दो सौ पचानबे करोड़ यूएस एस अड़तालीस मिलियन था तो हैप्पी न्यू ईयर ने यूएस एस एट पॉइंट वन मिलियन यानी कि चार सौ अट्ठानबे मिलियन के आंकड़े के साथ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया गया था इस फिल्म ने खाड़ी देशों में यानी कि नेपाल श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका मलेशिया थाईलैंड में सर्वकालिक रिकॉर्ड शुरुआत किए और हांगकांग और जर्मनी के पहले सप्ताह में फिल्म ने खाड़ी देशों में 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए थे और 178 मिलियन यूएस कनाडा में 2 मिलियन डॉलर और 123 मिलियन यानी कि पाँच हज़ार यानी कि छप्पन मिलियन यूनाइटेड किंगडम और तीन हज़ार बीस मिलियन ऑस्ट्रेलिया में और पी के आर बासठ मिलियन और यू एस छः सौ हज़ार आई एन आर और सैंतीस मिलियन पाकिस्तान में हैप्पी न्यू ईयर ने जर्मनी में एक हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे अच्छी शुरुआत की क्योंकि रिलीज़ के पहले दिन इसने चौरानवे हज़ार की कमाई की और धूम थ्री ने सप्ताह में छियासी हज़ार की कमाई की थी और माय नेम इज खान ने सप्ताह में अट्ठानवे हज़ार की कमाई की थी विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाज़ारों में यूएस सोलह मिलियन और 102 करोड़ रुपए विदेशी बाज़ारों में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है फिल्म 12 फरवरी 2015 को चेन में रिलीज़ हुई थी इसने चीनी बॉक्स ऑफिस पर कुल पाँच हज़ार यानी कि तीन करोड़ की कमाई की थी तो इस फिल्म को आलोचनात्मक स्वीकृत कैसी प्राप्त हुई हैं तो आइए जानते हैं तो फिल्म को भारत और विदेशों में आलोचकों से मिश्री समीक्षाएं मिली हैं तो चौदह समीक्षाओं के आधार पर रैड एंड टमेटोज पर इसकी औसत रेटिंग सत्तावन पॉइंट रेटिंग रही है जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसाएँ मिली हैं चरित्र विकास की कमी और अनौपचारिक कथानक को आलोचना मिली है तो सी और आई के राजीव मसंद ने पाँच में से ढाई जानकारी दी है और टिप्पणी की है कि हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को हंसते हुए और पाएंगे जिसमें निर्देशक फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता और प्रदर्शन के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचते हैं यह एक जिज्ञासु आधार और एक फराह खान की कई समान तत्वों को लेती है जो उसमें से हूँ और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया गया था अर्थात बहुत सारे आत्म संदर्भ सत्तर के दशक के बॉलीवुड के लिए स्नेही संकेत और कभी कभी खुद पर हंसने की क्षमता और अनुपमा चोपड़ा ने पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि उन्मत्त शेरगुल भड़कलीला और मोटे तौर पर अंतरहीन और फना पार्परिंग डैती वाली फिल्म की रूपरेखा लेती हैं और प्रतिशोध मेलो ड्रामा कमेडी रोमांस अंग चमकदार नृत्य दर्शक और एक चरमोत्सव के रूप में देशभक्ति की एक खुराक है इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और लिखा है कि मेरा भारत महान भावनाएं टाइम फिल्म कहा और यह एक महासागर के ग्यारह बारह और प्लेस डाउंस के बीच एक क्रॉस है रेडफी ने फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि यह फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है एक विशाल लार्क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है एनडीटीवी ने भी फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बावजूद इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है फर्स्ट पोस्ट के मिहिर फर्निवेशन ने कहा है कि फिल्म एक होम वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखती है और महसूस होती है कि जिसका इरादा पूरे ब्रह्मांड में दो लोगों को यानी कि फराह और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए किया गया था और ओशंस ग्यारह बोमन द्वारा फिर से लिखा गया था और प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने मौलिकता को लेते हुए फिल्म को पाँच में से ढाई सितारे की रेटिंग दी है और कहा है कि मौलिकता वो है हैप्पी न्यू ईयर मिफरा खान से पूछो तो राइट राइटर्स की शिल्पा जाम खंडीकर ने कहा है कि फिल्म ने उदारतापूर्वक हॉलीवुड की डकैती फिल्मों से उधार लिया है विशेष रूप से स्टीवन सोडर्सबर्ग की ओशंस इलेवन से पहली छमाही हल्की है और कई बार वास्तव में मज़ेदार है लेकिन जैसे जैसे दूसरी छमाही बढ़ती है कार्यवाही नीरस हो जाती है द हॉलीवुड रिपोर्ट्स की लीसा सेरिंग ने फिल्म की समीक्षा की है एक महत्वाकांक्षी संगीत एक प्रेम कहानी और एक महासागर की ग्यारह शैली अपराध शरारत डान के समी कहर ने फिल्म को पाँच में से ढाई सितारे दिए हैं और कहा है कि यह फिल्म ओशंस इलेवन प्लस इटलियन जॉ प्लस स्टेप अप और आल इन वन सस्ते आकार बिगड़ने वाले स्टैर्ड पर है तो इस फिल्म में बॉलीवुड फिल्म कोरियोग्राफ सरोज खान कथित तौर पर फिल्म में पैरोडी किए जाने के बाद परेशान हो गई और फराह खान ने सरोज खान की नकल करने से इनकार कर फराह खान ने इससे पहले 2007 में अपनी फिल्म ओम शांति ओम में कथित तौर पर मनोज कुमार की नकल की थी और जया बच्चन ने हैप्पी न्यू ईयर को एक बकवास फिल्म के रूप में वर्णित किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने इसे केवल इसीलिए देखा क्योंकि अब से किस में हैं मैंने उनसे कहा कि वो एक महान अभिनेता हैं यदि वो कैमरे के सामने इस तरह है। से बेवकूफ़ी कर सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में सोनू सूजी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो सोनू सूजी का जन्म 30 जुलाई 1973 को मोंगा पंजाब में हुआ था लेकिन बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो नागपुर स्थापित हो गए थे जहां यशवंत राव चौहान अभिनेंत्रिकी महाविद्यालय में वो मॉडलिंग में सोनू सूद ने उन्नीस में एक तेलुगु महिला सोनाली से शादी की उनके दो बेटे हैं शूद चैरिटी फाउंडेशन के मालिक हैं उन्होंने सभी कद के लोगों की मदद के लिए सूद चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की है और कोविड 19 महामारी के दौरान सामाजिक कार्य उन्होंने मई 2020 में कोविड 19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान सोनू सूद जी ने हज़ारों फंसे हुए भारतीय प्रवासी श्रमिकों के उनके लिए बसों विशेष ट्रेनों और चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करके उनके घर तक पहुंचाने में मदद की जुलाई 2020 में उन्होंने कर्गिस्तान में फंसे पंद्रह से अधिक भारतीय छात्रों को विशेष के वाराणसी ले जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की थी महामारी के दौरान उनके दान की सराहना की गई थी और उन्होंने भारत में एक वास्तविक जीवन के नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था जिन्हें 25 जुलाई 2020 को एक किसान की बेटियों के खेत की जुताई करने का एक वीडियो जैसे बैल अपने कंधों पर जुएं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सोनू सू ने जल्दी से जल्दी परिवार का को ट्रैक्टर भेजा और 5 अगस्त 2020 को उन्होंने मुख्य रूप से तमिलनाडु के 101 मेडिकल छात्रों की मदद की जो लॉकडाउन के दौरान मॉस्को में फंसे हुए थे उनकी मदद के लिए अपनी टीम से संपर्क करने के बाद उनके द्वारा की गई चार्टर्ड फ्लाइट से सुरक्षित चेन्नई पहुँचाए गए थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में दीपिका पादकों जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो वह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं और वो भारत में सबसे ज़्यादा कमाई कर करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और उनकी प्रशंसा में तीन फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं और वो देश की सबसे लोकप्रिय हस्तियों की सूची में शामिल हैं टाइम ने उन्हें 2018 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया है और 2022 में उन्हें टाइम सो इफेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इनका जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेन हेगन डेनमार्क में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है इनका पेशा अभिनेत्री हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 से की थी और इनके जीवन साथी हैं रणवीर सिंह तो इनके माता पिता प्रकाश पादकोण हैं पिता तो बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादकोण की बेटी दीपिका पादकोण का जन्म कोपेन हेगन में हुआ था उनका लालन पालन बेंगलोर में हुआ था एक किशोरी के रूप में उसने राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन में बैडमिंटन खेला लेकिन एक फैशन मॉडल बनने के लिए खेल में अपना करियर छोड़ दिया था उन्हें जल्द ही जल्द फिल्म की भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या के शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय अभिनय की शुरुआत की और दीपिका पादुकोण ने अपनी पहली बॉलीवुड रिलीज रोमांस ओम शांति ओम 2007 में शाहरुख खान के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और दीपिका पादुकोण को रोमांस लव आजकल में उनकी अभिनित भूमिका के लिए प्रशंसाएं मिली हैं दो में लेकिन इसके बाद एक संक्षिप्त झटका लगा रोमांटिक कॉमेडी काकटेल दो में उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ए जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस दोनों 2013 में हेस्ट कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर 2014 संजय में भूमिकाओं के साथ और सफलता प्राप्त की थी तो लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा बाजी रॉ मस्तानी दो और पदमावत दो और हॉलीवुड एक्शन फिल्म एक्स एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज दो तो लीला भंसाली की खुद रोमांस गोलियों की रासलीला और रामलीला में जूलियट पर आधारित एक चरित्र को निभाने के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और 2013 और कमेडी ड्रामा पीकू 2015 में एक जिद्दी बेटी यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते थे और अपनी खुद की कंपनी का प्रोडक्शन के तहत एक छोटे अंतराल और दो व्यावसायिक रूप से असफल प्रस्तुतियों के बाद दीपिका पादुकोण ने अपनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पठान दो में अभिनय किया है तो दीपिका पातकोण दाल्यूर लव लाफ फाउंडेशन के संस्थापक हैं जो भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करती है नारीवाद और अवसाद जैसे मुद्दों के बारे में मुखर है वो स्टेज शो में भाग लेती हैं और एक अखबार के कालम लिखती हैं महिलाओं के लिए अपने खुद के कपड़ों की लाइन डिजाइन करती हैं और ब्रांड और उत्पादों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोसर हैं उनके अन्य उपक्रमों में स्टार्टअप निवेश और एक शो देखभाल ब्रांड शामिल है जो दीपिका पातकोण ने अपने अक्सर शाह कलाकार रणवीर सिंह से शादी की है दीपिका पातकोण जी का जन्म पाँच फरवरी उन्नीस को कोपहनगन डेनमार्क में कोकणी भाषा माता पिता के यहाँ हुआ था यह उनके पिता प्रकाश पातकोण और एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उनकी मां उज्ज्वला एक ट्रैवल एजेंट हैं उनकी छोटी बहन अनीसा एक गोल्फ खिलाड़ी हैं उनके दादा रमेश मैंसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पातकोण एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गया था उन्होंने बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और माउंट मार्केल कॉलेज में अपनी पूर्व विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की थी उन्होंने बाद में समाजशास्त्र में कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिल लिया था लेकिन अपने मॉडलिंग करियर के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर हो गई थी तो दीपिका पादकोण ने एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके कई दोस्त नहीं थे उनके जीवन का फोकस बैडमिंटन था जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रतिस्पर्धा रूप से खेला और दो में एक साक्षात्कार में अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए दीपिका पादकोण ने कहा कि मैं सुबह पाँच बजे उठती थी शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती थी और स्कूल जाती थी फिर से बैडमिंटन खेलने जाती थी अपना होमवर्क पूरा करती थी और सो जाती थी दीपिका पादकोण ने अपने स्कूल के वर्षों के दौरान बैडमिंटन में अपना करियर बनाना जारी रखा और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेला और उसने कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में वेस्ट बॉल भी खेला था अपनी स्कूली शिक्षा और खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादकोड़ ने एक बॉल मॉडल के रूप में भी काम किया है वो पहली बार आठ साल की उम्र में कुछ विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी थी और दसवीं कक्षा में उसने फोकस बदला और एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया था और उसने समझाया कि मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस खेल में केवल इसीलिए खेल रही हूँ क्योंकि यह परिवार में चलता था इसीलिए मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं खेल छोड़ सकती हूँ वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे उन्होंने कहा कि 2004 में उन्होंने प्रसाद दीदापा के संस्करण में एक मॉडल के रूप में पूर्णकालिक करियर शुरू किया तो अपने करियर की शुरुआत में दीपिका पादकोण ने सावन रियल के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन के साथ पहचान हासिल की और कई अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की और 2005 में उन्होंने डिजाइनर सुनीता वर्मा के लिए क्लाइमेक्स फैशन वीक में रनवे की शुरुआत की और किंगफिशर फैशन अवार्ड्स के मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपका पातकों प्रसिद्धि तब तक बढ़ी जब तक वो दो किंग फिशर कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी तो डिजाइनर वेंडल राडिक्स की ने टिप्पणी की है कि ऐश्वर्या राय के बाद हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है राडकी ने उसे गंजम ज्वेलरी क्लास में देखा था और वो पढ़ा रहा था और उसने मैट्रिक टैलेंट एजेंटों की मदद के साथ अनुबंध किया और 21 साल की उम्र में दीपिका पादुकोण मुंबई आ गई थी और अपने मौसी के घर रहने लगी थी उस वर्ष उन्होंने हिमेश रेशमिया के गीत में नाम है तेरा के संगीत में वीडियो अपने अभिनय करके व्यापक पहचान हासिल की और दीपिका पातकुंड जल्द ही फिल्म की भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे थे और एक अभिनेता के रूप में खुद को बहुत अनुभवी मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर के फिल्म अकादमी में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया और मीडिया की काफ़ी अटकलों के बाद निर्देशक फराह खान ने जिन्होंने उन्हें रेमसमिया के संगीत वीडियो में देखा था और उन्होंने अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका के लिए कॉस्ट करने का फैसला किया जिसका नाम हैप्पी न्यू ईयर रखा गया था राडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश कर रहे थे मलिका अरोड़ा से संपर्क करने में आए थे रेडिक्स जिनके लिए दीपिका पातकोण लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उनकी एक करीबी दोस्त अरोड़ा से सिफारिश की जिन्होंने बदले में खान से उनकी सिफारिश की थी स्ट्रीट फाइटर है जो आठ साल से प्रसिद्ध सुरक्षा आपूर्तिकर्ता और सालीमार सिक्योरिटीज के मालिक चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए तड़फ रहा है ग्रोवर ने चार्ली के पिता मनोहर शर्मा को गलत तरीके से एक चोर के रूप में गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ग्रोवर ने मनोहर को पंद्रह मिलियन डॉलर के अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था और तीन करोड़ यानी कि उनतालीस मिलियन के हीरे अंटलांस्टिक होटल दुबई पहुंचेंगे और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चार्ली हीरे चुराना और ग्रोवर को फेम करना चाहते हैं इसे पूरा करने के लिए वो टी एक टीम बनाता है और पूर्व कप्तान जगमोहन जग, जग यानी कि प्रकाश सुनने में कठोर व्यक्ति और हेमटन टेमिलो टैमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती प्रमढ़ सुरक्षाकर्मी है जो मनोहर का सबसे अच्छा दोस्त था रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हाइकर है जो जग का भतीजा है और चरण के बेटे बिक्की ग्रोवर के हमशक्ल नंदू से भिड़े हैं चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा नौ सी तिजोरी से जुड़ा हुआ है जो एक एक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखता है हालांकि कमरा नौ सी वर्ल्ड डांस चैंपियन डब्ल्यू में भाग लेने वाले टीमों के लिए आरक्षित है समूह ने तुरंत डब्लू में शामिल होने से इनकार कर दिया और यह इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी नृतक नहीं था लेकिन चार्डी ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए मना लिया एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि चरण गोवर ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अवैध तिजोरी सालीमार बनाने का ठेका दिया था तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राज़ी कर लिया था समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को नियुक्त करने की कोशिश करता है और हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार डांसर मोहिनी से मिलवाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण में प्रभावित होती है और अंततः उनके इरादों से अनजान उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आते हैं वे पहले दौर में आहता प्राप्त करने का प्रबंधन करती हैं और अंत में हाइकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके डब्ल्यू में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं कई दशक पहले कई दशक उनके कौशल की कमी के लिए उनका तिरस्कार करते हैं लेकिन चार्ली और उनके टीम मोहिनी के बिना सभी केवल डकैती से चिंतित हैं और दुबई में टीम कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है जिसमें उनके प्रयोजक ग्रोवर भी शामिल हैं और सेमीफाइनल में चार्डी एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस रंट के दौरान गंभीर चोट से बचाते हैं दर्शकों से तुरंत सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करते हैं योजना पर जाने के बाद सब कुछ तैयार है दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोकता है और सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीशों से प्रभावित होने के बाद भारत फाइनल में पहुंच गया है डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है और गिरफ्तारी के बाद मनोहर मुकदमे की अपील की लेकिन ग्रोवर ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूत के साथ छेड़छाड़ की मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली और हालाँकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक ख़ास पल साझा करते हैं जहाँ मोहिनी उनकी मदद करने लगती है और अंतिम दौर की रात डकैती शुरू हो जाती है मोहिनी विक्की को लिफ्ट में फुसलाती है और उससे खटकाया जाता है उसका अंगूठा जग द्वारा लिया जाता है और नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है जो कच्छा खोलता है और टैमी सफलतापूर्वक तिजोरी खोलती है और हालांकि चार्ली और टैमी को एक और ग्लास तिजोरी मिलती है जिसमें हीरे रखे होते हैं इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें सात अक्षर का पासवर्ड था चार्ली ने तिजोरी खोली और यह महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाती है लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है वो बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वो भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी रोहन भी उसका साथ देता है जिससे बाकी सदस्यों के बीच लड़ाई हो जाती है जब टीम इंडिया गायब पाई जाती है तो ग्रोवर का दावा है कि वह चोर हैं मोहिनी मंच पर आती है और कुछ मिनटों के लिए अकेली ही परफॉर्म करती है कि इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले ग्रोवर दिखाई देते हैं चार्ली अंत में प्रकट होती है और टीम प्रतियोगिता जीत जाती है चरण और बिक्की ग्रोर को गिरफ्तार कर लिया जाता है चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जेब में रख दिया उसी रेजर ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी और वह देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है उसका बदला पूरा हो गया टीम इंडिया एयरपोर्ट पहुंच गई और चार्ली अपने शीतल पेय में हीरो को छलनी कर देता है लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देता है जिसमें टीम तबाह हो जाती है हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया कि उसने नकली हीरे को असली हीरे के साथ ट्रॉफी पर बदल दिया टीम भारत पहुंच जाती है क्रेडिट के बाद दृश्य में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के कारण बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है और रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार लोकप्रियता हासिल करता है जबकि जग पहले बनाई जा रही फिल्म का निर्देशन करता है जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक होता है जो जग ने पहले किया था टैमी के पास अब कई बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही होती हैं तभी लंबी सजा पाने के बाद चरण और बिक्की ग्रोवर अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं मोहिनी अपना खुद का डांस स्कूल खोलती है और चार्ली एक हीरे से बनी अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है फिल्म समाप्त हो जाती है और वे सभी गले मिलते हैं और कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए फिल्म समाप्त होती है तो फिल्म आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में शाहरुख खान चंद्रमोहन के रूप में हैं और दीपिका पादुकोण मोहिनी जोशी के रूप में चार्ली की प्रेमिका और नंदू की दूर के रिश्तेदार और मोहिनी डांसर स्कूल की संस्थापक हैं और अभिषेक बच्चन दोहरी भूमिकाओं में हैं नंदू भिंडे और चार्ली के दोस्त के रूप में चरण गोर के रूप में बिकी गुरोवर हैं और सोनू सूद कैप्टन जो जगमोहन के रूप में हैं और टेंथन टैमी ईरानी के रूप में बोमन ईरानी और मनोहर और चार्ली के करीबी दोस्त हैं और बिवन हैं और सारी कोटेज के मालिक चरण ग्रोवर के रूप में जय की श्राफ हैं जिन्होंने मनोहर को धोखा दिया और उनकी कंपनी का मालिक है टीम कोरियाई लीडर के रूप में जेसन थाम हैं और सुबोध सिंह चरण के सहायक के रूप में मोहन कपूर हैं और वरुण पुरथी हैं और कवि शास्त्री हैं और हीरे के मालिक के रूप में रियो कपाड़िया हैं अनाम अनुपम खेर मनोहर शर्माचार्य के पिता और एक बुद्धिमान व्यवसायी के रूप में हैं और नमिता ईरानी के रूप में डीजी ईरानी टैमिक की मां के रूप में हैं लैला के रूप में सारा जेन डयास डब्ल्यू में भारत की राजदूत हैं और वर्ल्ड चैंपियंस के होस्ट के रूप में डीनो मोरिया हैं और सरोज खान के रूप में कीकू शारदा हैं और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में प्रभु देवा हैं और मलाइका अरोरा मोनिका झावर के रूप में एक फिल्म की नायिका हैं और अरुणा कश्यप वर्ल्ड डांस चैम्पियन ऑडियंस के चयन जज के रूप में हैं विश्व नृत्य चैंपियन ऑडियंस के चयन न्यायाधीश के रूप में विशाल दलदरानी हैं और साजिद खान एक फिल्म के निर्देशक के रूप में हैं गीता कपूर स्वयं हैं तो हैप्पी न्यू ईयर फराह अख्तर द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह और जैकी श्राफ जैसे कलाकारों की टुकड़ी है और इसे यश राज फिल्म द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म में ही हारे हुए लोगों का एक समूह खुद को एक ऐसी टीम में बदल देता है जो शहर और दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेती है और यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की डकैती को अंजाम देने वाली उनकी खोज के हिस्से के रूप में है तो फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान और इसकी पटक कथा लिखी है फराह खान ने और इस फिल्म में संवाद दिया है मयूर पुरी ने और आलिथा कौशल ने कहानी लिखी है फराह खान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है गौरी खान ने तो फ्रेंड्स इस फिल्म को वितरित करने वाले हैं यसराज फिल्म के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को अभिनीत किया है शाहरुख खान दीपिका पादकौण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह और जैकी श्राफ हैं और इस फिल्म का छाकन किया है मानुष नंदन ने और इस फिल्म को संपादित किया है आनंद सुभैया और तुषार परेख ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर और डॉक्टर जूस और पृष्ठभूमि स्कोर जॉन स्टीवर्ड एडुरी हैं प्रोडक्शन कंपनी है, है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और इस फिल्म की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को दुबई में और 24 अक्टूबर 2014 को भारत में रिलीज किया गया था तो इस फिल्म को अंग्रेजी में भी बनाया गया है तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बजट के बाद इस फिल्म का कुल बजट था 150 करोड़ और अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था तीन सौ चौरानबे करोड़ तो एक सौ पचास करोड़ यूएस चौबीस पॉइंट अट्ठावन मिलियन के कुल बजट पर निर्मित फिल्म ने मुख्य अभिनेता निर्माता और निर्देशक तीसरे सहयोग को चिन्हित किया है उन्होंने पहले मई हुना दो हज़ार चार और ओम शांति ओम दो हज़ार सात में काम किया था जिनमें से बाद में दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई थी और हैप्पी न्यू ईयर को दिवाली 2014 में तमिल और तेलुगु में डब की संस्कृतों के साथ रिलीज किया गया था और हिंदी में लगभग बयालीस स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में आठ स्क्रीन प्राप्त किए थे जो अब तक की भारत में सबसे बड़ी फिल्म रिलीज थी और इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएँ मिली हैं जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन और विशेष रूप से खान और वच्चिंग की साउंडट्रैक हास्य सिनेमोटोग्राफी और एक्शन दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइन और दृश्य प्रभावों की सराहना की गई है लेकिन लेखन लंबाई और गति की आलोचना की गई है इसने अपने शुरुआती दिन में भारत में पच्चीस करोड़ यू एस फोर पॉइंट वन मिलियन की कमाई की और अंत में दुनिया भर में कुल तीन सौ चौरानवे करोड़ यू एस चौंसठ पॉइंट छप्पन मिलियन की कमाई की थी साठवें फेयर पुरस्कारों में से हैप्पी न्यू ईयर को दो नामांकन मिले और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अभिषेक बच्चन और सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल और मनवाला के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज फिल्म की स्क्रिप्ट को अपने पुस्तकालय में प्रदर्शित किया है और अमिताभ बच्चन शाहरुख खान अक्षय कुमार जूही चावला मनीषा कोयराला अमीषा पटेल प्रियंका चोपड़ा रवीना टंडन और जायद खान की कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म की योजना 2005 में शुरू हुई और फिल्म को अज्ञात कारणों से रोक दिया गया था और इसके वजह फराह खान ने ओम शांति ओम 2007 बनाई जिसमें खान और दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म मार खान के बाद 2010 में फराह खान ने फिल्म की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया था और पठक कथा लेखन अक्टूबर 2012 तक पूरा हो गया था जब फिल्म को पुनर्जीवित किया गया तो फिल्म निर्माता खान के साथ मुख्य भूमिका में एक स्थापित अभिनेत्री चाहते थे लेकिन दिसंबर 2012 में मीडिया ने बताया कि निर्माताओं ने इस भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया था जो पठक कथा में बदलाव के बाद फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थी हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने तारीखों के मुद्दे के कारण फिल्म को ठुकरा दिया शेड्यूल उनके द्वारा साइन की गई एक और फिल्म के साथ टकरा रही थी इस भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था जैसे सोनाची सिन्हा आसिन ईश्वर्या राय बच्चन परिणिधि चोपड़ा और कैटरीना कैफ हालांकि दीपिका पादकों को अंतिम रूप में कॉस्ट किया गया था जिससे यह खान के साथ उनकी तीसरी फिल्म बन गई थी ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस दो खान को फिल्म में एक चोर कलाकार की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी जिसमें दीपिका एक मराठी नर्तकी की भूमिका में थी और एक समय में जॉन अब्राहम को एक सहायक भूमिका निभानी थी लेकिन उनकी जगह सोनू सूद ने ले ली थी बोमन ईरानी की पुष्टि निर्देशक ने एक साक्षात्कार के दौरान की थी जिसे अगस्त दो हजार में जयकी को फिल्म के प्रतिपाची की भूमिका के लिए अंतिम रूप दिया गया था निर्देशक के भाई साजिद खान अतिथि की भूमिका में होंगे जबकि अभिनेत्री माइलका अरोड़ा खान को भी कैमियों में शामिल होने के लिए साइन किया गया था विवान शाह को एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अभिनेता निर्देशक प्रभुदेवा ने एक कैमियों में नृत्य किया था तो फरा ने ट्विटर पर एक इसकी आधिकारिक घोषणा की और फिल्मांकन का पहला शेड्यूल नवंबर दो की शुरुआत में दुबई में शुरू हुआ था अरेबियन बिजनेस ने बताया कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा प्रतिष्ठित अंटरलास्टिक द पॉम मिंग शूट किया जाएगा जिसे 23 जनवरी 2014 को शाहरुख खान मुंबई के जेड ई डब्ल्यू यू मेरिट होटल में शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे हालांकि शुरुआत में उसे नाबालिग बताया गया था और उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी और बाया घुटना फट गया था इसीलिए उसे थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी गई थी तो महबूब स्टूडियोज को प्रमुख स्थानों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया गया था जबकि कुछ हिस्से विलन्स कॉलेज के पास फिल्माए गए थे अंतिम कार्यक्रम अगस्त 2014 में पूरा किया गया था तो फरा खान चाहती थी कि शाहरुख खान अपने लंबे बाल कर लें ताकि वह कंधे तक लंबे बाल रख सकें तो प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से वैकृत पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराए गए थे और शाहरुख खान दीपिका सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टी एम के ओ सी के सेट पर की गई थी तो रैपर यो, यो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इसलैम शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पर यात्रा की और ह्यूस्टन में 19 सितंबर से शुरू होकर यह जर्सी वाशिंगटन, टोरंटो, शिकागो बैकलूअर और सेंट जोस में हुआ था स्लेम 5 अक्टूबर को भी यूनाइटेड किंगडम के लिए जारी किया गया था जिसे 11 अक्टूबर 2014 को एड्राइड और आई के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक एक फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक गेम जारी किया गया था इसे प्रोडक्शन कंपनी और भारतीय खेल कला आउट सेटिंग स्टूडियो गेम शास्त्र इंडिया के सहयोग से बनाया गया था तो यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार वन पॉइंट पच्चीस मिलियन यू एस बीस पॉइंट अड़तालीस मिलियन में बेचे गए थे इसे सैटेलाइट अधिकार जी फाइव नेटवर्क को छः मिलियन यू एस मिलियन में और संगीत अधिकार टी सीरीज और एक सौ बीस मिलियन यू एस एक सौ बीस मिलियन में बेचे गए थे जहां उन्होंने वन पॉइंट सत्तानवे मिलियन कुल मिलाकर 2.02 मिलियन यूएस 33.1 मिलियन की पूर्व रिलीज राजस्व अर्जित किया था हैप्पी न्यू ईयर का संगीत विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित है जबकि गीत ईसाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं और पूर्ण पूर्ड साउंटरिंग एक अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था इससे पहले 21 सितंबर को इंडिया वाले और 25 सितंबर को मनवालागे के लिए प्रचार संगीत वीडियो जारी किया गया था जिसमें एल्बम लॉन्च होने के बाद लवली नॉनसेंस की नाइट और सतकली गाने के प्रचार वीडियो भी जारी किए गए थे इंडिया वाले को जस्ट डांस नाउ जस्ट डांस 2015 डाउनलोड करने योग्य सामग्री के रूप में चित्रित किया गया था और यह जस्ट डांस अनलिमिटेड सेवा का हिस्सा था साउंड ट्रैक को संगीत समीक्षकों द्वारा ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं द टाइम ऑफ इंडिया में कास्मिन फर्नाडीज ने महसूस किया है कि एक चोरी की फिल्म के रूप में एक नृत्य प्रतियोगिता के आसपास केंद्रित है तो हैप्पी न्यू ईयर संगीतकार विशाल शेखर और गीतकार इसाद कामिल को धुनियों के साथ अपना रास्ता दिखाने के लिए भरपूर चारा प्रदान करता है और उन्होंने वितरित किया है कि साथ में सात मोल ट्रैक एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण एक विविधता एक मेडली और एक वाद क्या? हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रोहित वत्नी एल्बम को पांच में से तीन सितारे दिए हैं और कहा है कि फराह खान गाने की गुणवत्ता की तुलना में अपनी फिल्म की भावना के बारे में अधिक चिंतित दिखती हैं और उन्हें आधुनिक धुनों के साथ जाने के लिए प्रेरित करती हैं कुल मिलाकर एल्बम औसत और केवल युवा उन्मुख है इस एल्बम के लिए लंबी उम्र हासिल करना मुश्किल होगा इंडिया डॉट कॉम के लिए प्रथमेश जाधव ने लिखा है कि एक मिश्रित बैग है इसके विपरीत कोई मोई के लिए आलोचक रेडर ने महसूस किया है कि हैप्पी न्यू ईयर एल्बम उतना असाधारण नहीं है जितना कि फिल्म दिखती है बॉलीवुड म्यूजिकल साउंड की अपेक्षा के साथ ये विशाल शेखर के एक नियमित एल्बम में आता है यहाँ तक कि हालांकि एल्बम मनवा लागे और कमली जैसे ट्रैक के साथ हिट होगा लेकिन यह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा तो इस फिल्म को दुनिया भर में फ़िल्म ने तीन करोड़ यूएस एस चौंसठ मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है तो हैप्पी न्यू ईयर चवालीस पॉइंट सत्तानवे करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया और ये एक ही दिन में आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी आमिर खान अमिताभ बच्चन कटरीना कैफ और फातिमा सनाशेख आपने दो 2018 की दिवाली रिलीज ठक्स ऑफ हिंदुस्तान द्वारा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था जिसने पहले दिन बावन पॉइंट पच्चीस करोड़ का सकल संग्रह किया था जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे अधिक है और यह रिकॉर्ड युद्ध द्वारा तोड़ा गया था जिसने संग्रह किया था और पहले दिन तिरपन पॉइंट पैंतीस करोड़ फिल्म ने शनिवार को शुद्ध रूप से दो सौ पचासी मिलियन की कमाई में गिरावट देखी और रविवार को संग्रह एक ही सीमा में थे शुरुआती सप्ताह में रिकॉर्ड नौ सौ सत्तर मिलियन नेट तक ले गए थे इस फिल्म ने दुनिया भर में अपने पहले सप्ताह में लगभग वन मिलियन की कमाई की और धूम थेरी के बाद किसी हिंदी फिल्म के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत थी फिल्म ने अपने पहले सोमवार को लगभग एक मिलियन की कमाई की और चार दिनों में कुल मिलाकर 1.09 मिलियन हो गई थी इसने कमाए और हफ्ते में फिल्म को लगभग सात सौ सत्तर मिलियन का भारी वितरक हिस्सा मिला फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में टू पॉइंट पैंतालीस अरब रुपए की कमाई की थी जो धूम थ्री के बाद अब तक की चौथी सबसे बड़ी कमाई थी इसने क्योंकि फिल्म ने सोमवार से कुछ सर्किट में एक अच्छी पकड़ बनाई थी जो पाँच दिनों में कुल 1.20 मिलियन नेट तक पहुंच गई थी हाइपिन ईयर ने अपने पहले सप्ताह में वन मिलियन की भारी कमाई और फिल्म का सप्ताह अच्छा रहा और सोमवार और मंगलवार को अखिल भारतीय संग्रह अच्छा रहा लेकिन बुधवार को इसमें गिरावट आई थी किक और चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करणों ने पहले सप्ताह में क्रमशः ग्यारह मिलियन नेट और छब्बीस मिलियन हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे शुक्रवार को लगभग 45 मिलियन नेट का अच्छा संग्रह किया था फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार और रविवार को लगभग सड़सठ पॉइंट पाँच मिलियन नेट और बानबे पॉइंट पाँच मिलियन की नेट कमाई के साथ भारी वृद्धि दिखाई थी हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे सप्ताह के अंत में लगभग दो सौ दो पॉइंट पाँच मिलियन की कमाई की जिससे उसका दस दिन का कुल नेट वन पॉइंट चौवनवन मिलियन हो गया था फिल्म ने दूसरे सोमवार को लगभग तीस मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और दूसरे मंगलवार को चालीस मिलियन की शुद्ध कमाई की और दूसरे बुधवार को सत्ताईस मिलियन की कमाई की थी तो हैप्पी न्यू ईयर ने अपने दूसरे सप्ताह में लगभग 353.8 मिलियन की कमाई की और कुल मिलाकर 1.685 मिलियन नेट हो गया था इसने अपने तीसरे सप्ताह में लगभग 45 मिलियन नेट की कमाई की जिससे इसका कुल नेट 1.73 मिलियन हो गया था तो हैप्पी न्यू ईयर ने तीसरे सप्ताह में लगभग 77.5 मिलियन नेट की कमाई की जो कुल वन पॉइंट छिहत्तर मिलियन नेट से थोड़ा अधिक है तो हैप्पी न्यू ईयर ने चौथे सप्ताह में पंद्रह पॉइंट छः मिलियन नेट और पाँचवें सप्ताह में तीन पॉइंट चार मिलियन की कुल कमाई की जिससे इसका कुल योग वन पॉइंट तिरासी मिलियन नेट हो गया था ये बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हैप्पी न्यू ईयर को सुपरहिट घोषित किया था इसका अंतिम घरेलू सकल दो सौ पंचानबे करोड़ यूएस अड़तालीस मिलियन था तो हैप्पी न्यू ईयर ने यूएस एट पॉइंट वन मिलियन यानी कि चार सौ अट्ठानबे मिलियन के आंकड़े के साथ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया गया था इस फिल्म ने खाड़ी देशों में यानी कि नेपाल श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका मलेशिया थाईलैंड में सर्वकालिक रिकॉर्ड शुरुआत किए और हांगकॉन्ग और जर्मनी के पहले सप्ताह में फिल्म ने खाड़ी देशों में 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए थे और 178 मिलियन यूएस कनाडा में 2 मिलियन डॉलर और 123 मिलियन यानी कि 570 हज़ार यानी कि छप्पन मिलियन यूनाइटेड किंगडम और तीन हज़ार बीस मिलियन ऑस्ट्रेलिया में और पी के आर बासठ मिलियन और यू एस छः सौ हज़ार आई एन आर और सैंतीस मिलियन पाकिस्तान में हैप्पी न्यू ईयर ने जर्मनी में एक हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे अच्छी शुरुआत की क्योंकि रिलीज़ के पहले दिन इसने चौरानबे हज़ार की कमाई की और धूम थ्री ने सप्ताह में छियासी हज़ार की कमाई की थी और माय नेम इज खान ने सप्ताह में अट्ठानवे हज़ार की कमाई की थी विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाज़ारों में यूएस एस सोलह पॉइंट इकहत्तर मिलियन और एक सौ दो करोड़ रुपए विदेशी बाज़ारों में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है फिल्म बारह फरवरी दो को चेन में रिलीज़ हुई थी इसने चीनी बॉक्स ऑफिस पर कुल पाँच यानी कि तीन करोड़ की कमाई की थी तो इस फिल्म को आलोचनात्मक स्वीकृत कैसी प्राप्त हुई हैं तो आइए जानते हैं तो फिल्म को भारत और विदेशों में आलोचकों से मिश्री समीक्षाएं मिली हैं तो चौदह समीक्षाओं के आधार पर रैड एंड पर इसकी औसत रेटिंग सत्तावन पॉइंट रेटिंग रही है जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसाएं मिली हैं चरित्र विकास की कमी और अनौपचारिक कथानक को आलोचना मिली है तो सी एन एन और आई बी एन के राजीव मसंद ने पांच में से ढाई सितारे दिए हैं और टिप्पणी की है कि हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप भारी बारी से खुद को हंसते हुए और पाएंगे जिसमें निर्देशक फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता और प्रदर्शन के ख़िलाफ़ एक चोरी की साजिश रचते हैं ये एक जिज्ञासु आधार और एक फराह खान के कई समान तत्वों को लेती है जो उसमें से हूँ और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया गया था अर्थात बहुत सारे संदर्भ सत्तर के दशक के बॉलीवुड के लिए स्नेही संकेत और कभी कभी खुद पर हंसने की क्षमता और अनुपमा चोपड़ा ने पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि उनमत भड़क भड़कलीला और मोटे तौर पर अंतरहीन और फना पार्परिंग कहती वाली फिल्म की रूपरेखा लेती हैं और प्रतिशोध मेलो ड्रामा रोमांस अनगित चमकदार नृत्य दर्शन और एक चरमोत्सव के रूप में देशभक्ति की एक खुराक है इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और लिखा है कि मेरा भारत महान भावनाएं टाइम फिल्म कहा और ये एक महासागर के ग्यारह बारह और प्लेस डांस के बीच एक क्रॉस है रेडफी ने फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि यह फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है एक विशाल लार्क जहाँ कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है एन ने फी फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बावजूद इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है फर्स्ट पोस्ट के मिहिर फर्निवेशन ने कहा है कि फिल्म एक होम वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखती है और महसूस होती है कि जिसका इरादा पूरे ब्रह्मांड में दो लोगों को यानी कि फरा और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए किया गया था और ओसन्स ग्यारह बोमन द्वारा फिर से लिखा गया था और प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित तो वत्स ने मौलिकता को लेते हुए फिल्म को पाँच में से ढाई सितारे की रेटिंग दी है और कहा है कि मौलिकता वो हैप्पी न्यू ईयर मिफरा खान से पूछो तो राइटर्स की शिल्पा जाम खंडीकर ने कहा है कि फिल्म ने उदारतापूर्वक हॉलीवुड की डकैती फिल्मों से उधार लिया है विशेष रूप से स्टीवन सोडर्सबर्ग की ओसंस इलेवन से पहली छमाही हल्की है और कई बार वास्तव में मज़ेदार है लेकिन जैसे जैसे दूसरी छमाही बढ़ती है कार्यवाही नीरस हो जाती है द हॉलीवुड रिपोर्ट्स की लिसा सेरिंग ने फिल्म की समीक्षा की है एक महत्वाकांक्षी संगीत एक प्रेम कहानी और एक महासागर की ग्यारह शैली अपराध शरारत डान के समी कहर ने फिल्म को पाँच में से ढाई सितारे दिए हैं और कहा है कि यह फिल्म ओशंस इलेवन प्लस इटलियन जा प्लस स्टेप अप और आल इन वन सस्ते आकार बिगड़ने वाले स्टैर्ड पर है तो इस फिल्म में बॉलीवुड फिल्म क्रियोग्राफ सरोज खान कथित तौर पर फिल्म में पैरोडी किए जाने के बाद परेशान हो गई और फराह खान ने सरोज खान की नकल करने से इनकार कर फराह खान ने इससे पहले 2007 में अपनी फिल्म ओम शांति ओम में कथित तौर पर मनोज कुमार की नकल की थी और जया बच्चन ने हैप्पी न्यू ईयर को एक बकवास फिल्म के रूप में वर्णित किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने इसे केवल इसीलिए देखा क्योंकि अब से किसमें हैं मैंने उनसे कहा कि वो एक महान अभिनेता हैं यदि वो कैमरे के सामने इस तरह है। से बेवकूफ़ी कर सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में सोनू सूजी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो सोनू सूजी का जन्म 30 जुलाई 1973 को मोंगा पंजाब में हुआ था लेकिन बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो नागपुर स्थापित हो गए थे जहां यशवंत राव चौहान अभिनेंत्रिकी महाविद्यालय में वो मॉडलिंग में सोनू सूद ने उन्नीस में एक तेलुगु महिला सोनाली से शादी की उनके दो बेटे हैं शूद चैरिटी फाउंडेशन के मालिक हैं उन्होंने सभी कद के लोगों की मदद के लिए सूद चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की है और कोविड 19 महामारी के दौरान सामाजिक कार्य उन्होंने मई 2020 में कोविड 19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान सोनू सूद जी ने हज़ारों फंसे हुए भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए उनके लिए बसों विशेष ट्रेनों और चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करके उनके घर तक पहुँचाने में मदद की जुलाई दो में उन्होंने कर्गिस्तान में फंसे पंद्रह से अधिक भारतीय छात्रों को विशेष के वाराणसी ले जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की थी महामारी के दौरान उनके दान की सराहना की गई थी और उन्होंने भारत में एक वास्तविक जीवन के नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था जिन्हें 25 जुलाई 2020 को एक किसान की बेटियों के खेत की जुताई करने का एक वीडियो जैसे बैल अपने कंधों पर जुएं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सोनू सूजी ने जल्दी से जल्दी परिवार का को ट्रैक्टर भेजा और पाँच अगस्त दो को उन्होंने मुख्य रूप से तमिलनाडु के एक मेडिकल छात्रों की मदद की जो लॉकडाउन के दौरान मास्को में फंसे हुए थे उनकी मदद के लिए अपनी टीम से संपर्क करने के बाद उनके द्वारा की गई चार्टर्ड फ्लाइट से सुरक्षित चेन्नई पहुंचाए गए थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में दीपिका पादुकोण जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो वो एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं और वो भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और उनकी प्रशंसा में तीन फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं और वो देश की सबसे लोकप्रिय हस्तियों की सूची में शामिल हैं टाइम ने उन्हें 2018 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया है और 2022 में उन्हें टाइम्स शॉ इफेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इनका जन्म पाँच जनवरी उन्नीस को कोपेन हेगन डेनमार्क में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है इनका पेशा अभिनेत्री हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 से की थी और इनके जीवन साथी हैं रणवीर सिंह तो इनके माता पिता प्रकाश पादकोण हैं पिता तो बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादकोण की बेटी दीपिका पादकोण का जन्म कोपेन हेगन में हुआ था उनका लालन पालन बेंगलोर में हुआ था एक किशोरी के रूप में उसने राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन में बैडमिंटन खेला लेकिन एक फैशन मॉडल बनने के लिए खेल में अपना करियर छोड़ दिया था उन्हें जल्द ही जल्द फिल्म की भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या के शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय अभिनय की शुरुआत की और दीपिका पादुकोण ने अपनी पहली बॉलीवुड रिलीज रोमांस ओम शांति ओम 2007 में शाहरुख खान के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और दीपिका पादुकोण को रोमांस लव आजकल में उनकी अभिनित भूमिका के लिए प्रशंसाएं मिली हैं दो में लेकिन इसके बाद एक संक्षिप्त झटका लगा रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल 2012 में उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ए जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस दोनों 2013 में हेस्ट कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर 2014 संजय में भूमिकाओं के साथ और सफलता प्राप्त की थी तो लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा बाजी रॉ मस्तानी दो हज़ार पंद्रह और पदमावत दो हज़ार अट्ठारह और हॉलीवुड एक्शन फिल्म एक्स 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 रिटर्न ऑफ जेंडर केज 2017 तो लीला भंसाली की खुद रोमांस गोलियों की रासलीला और रामलीला में जूलियट पर आधारित एक चरित्र को निभाने के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और 2013 और कमेडी ड्रामा पीकू 2015 में एक जिद्दी बेटी यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते थे और अपनी खुद की कंपनी का प्रोडक्शन के तहत एक छोटे अंतराल और दो व्यावसायिक रूप से असफल प्रस्तुतियों के बाद दीपिका पादुकोण ने अपनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पठान दो में अभिनय किया है तो दीपिका पादुकोण द दाल्यूर लव लाफ फाउंडेशन के संस्थापक हैं जो भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करती है नारीवाद और अवसाद जैसे मुद्दों के बारे में मुखर है वो स्टेज शो में भाग लेती हैं और एक अखबार के कालम लिखती हैं महिलाओं के लिए अपने खुद के कपड़ों की लाइन डिजाइन करती हैं और ब्रांड और उत्पादों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोसर हैं उनके अन्य उपक्रमों में स्टार्टअप निवेश और एक शो देखभाल ब्रांड शामिल है जो दीपिका पातकोड़ ने अपने अक्सर शाह कलाकार रणवीर सिंह से शादी की है दीपिका पातकोड़ जी का जन्म पाँच फरवरी उन्नीस को कोपहंगन डेनमार्क में कोकणी भाषा माता पिता के यहाँ हुआ था यह उनके पिता प्रकाश पादकोण और एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उनकी मां उज्जवला एक ट्रैवल एजेंट हैं उनकी छोटी बहन अनिसा एक गोल्फ खिलाड़ी हैं उनके दादा रमेश मैंसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पादकोण एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गया था उन्होंने बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और माउंट मार्केल कॉलेज में अपनी पूर्व विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की थी उन्होंने बाद में समाजशास्त्र में कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिल लिया था लेकिन अपने मॉडलिंग करियर के साथ संघर्षों के कारण बाहर हो गई थी तो दीपिका पादको ने एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके कई दोस्त नहीं थे उनके जीवन का फोकस बैडमिंटन था जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रतिस्पर्धा रूप से खेला और 2012 में एक साक्षात्कार में अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए दीपिका पादकोड़ ने कहा कि मैं सुबह पाँच बजे उठती थी शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती थी और स्कूल जाती थी फिर से बैडमिंटन खेलने जाती थी अपना होमवर्क पूरा करती थी और सो जाती थी दीपिका पादकोड़ ने अपने स्कूल के वर्षों के दौरान बैडमिंटन में अपना करियर बनाना जारी रखा और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेला और उसने कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में वेस्ट बॉल भी खेला था अपनी स्कूली शिक्षा और खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादकोण ने एक बॉल मॉडल के रूप में भी काम किया है वो पहली बार आठ साल की उम्र में कुछ विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी थी और दसवीं कक्षा में उसने फोकस बदला और एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया था और उसने समझाया कि मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस खेल में केवल इसीलिए खेल रही हूँ क्योंकि यह परिवार में चलता था इसीलिए मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं खेल छोड़ सकती हूँ वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे उन्होंने कहा कि 2004 में उन्होंने प्रसाद दी दापा के संस्करण में एक मॉडल के रूप में पूर्णकालिक करियर शुरू किया तो अपने करियर की शुरुआत में दीपिका पादुकोण ने साबुन रियल के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन के साथ पहचान हासिल की और कई अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की और 2005 में उन्होंने डिजाइनर सुनीता वर्मा के लिए क्लाइमेक्स फैशन वीक में रनवे की शुरुआत की और किंग फिशर फैशन अवार्ड्स के मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपिका पातकोण प्रसिद्धि तब तक बढ़ी जब तक वो दो किंग फिशर कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी तो डिजाइनर वेंडल राडिक्स की ने टिप्पणी की है कि ऐश्वर्या राय के बाद हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है राडकी ने उसे गंजम ज्वेलरी क्लास में देखा था और वो पढ़ा रहा था और उसने मैट्रिक टैलेंट एजेंटों की मदद के साथ अनुबंध किया और 21 साल की उम्र में दीपिका पातकोड मुंबई आ गई थी और अपने मौसी के घर रहने लगी थी उस वर्ष उन्होंने हिमेश रेशमिया के गीत में नाम है तेरा के संगीत में वीडियो अपने अभिनय करके व्यापक पहचान हासिल की और दीपिका पातकोण वो जल्द ही फिल्म की भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे थे और एक अभिनेता के रूप में खुद को बहुत अनुभवी मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर के फिल्म अकादमी में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया और मीडिया की काफ़ी अटकलों के बाद निर्देशक फराह खान ने जिन्होंने उन्हें रेमसमिया के संगीत वीडियो में देखा था और उन्होंने अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका के लिए कॉस्ट करने का फैसला किया जिसका नाम हैप्पी न्यू ईयर रखा गया था राडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश कर रहे थे मलिका अरोड़ा से संपर्क करने में आए थे रेडिक्स जिनके लिए दीपिका पादकों लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उनकी एक करीबी दोस्त अरोड़ा से सिफारिश की जिन्होंने बदले में खान से उनकी सिफारिश की थी अपने हीरो को चुराने के लिए उकसाया था और 300 करोड़ यानी कि उनतालीस मिलियन के हीरे अंटलास्टिक होटल दुबई पहुंचेंगे और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चार्ली हीरे चुराना और ग्रोवर को फेम करना चाहते हैं इसे पूरा करने के लिए वो टी एक टीम बनाता है और पूर्व कप्तान जगमोहन जग, जग यानी कि प्रकाश सुनने में कठोर व्यक्ति और हेमटन टेमिलो टैमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती प्रमण सुरक्षाकर्मी है जो मनोहर का सबसे अच्छा दोस्त था रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हाइकर है जो जग का भतीजा है और चरण के बेटे बिक्की ग्रोवर के हमशक्ल नंदू से भिड़े हैं चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा नौ सी तिजोरी से जुड़ा हुआ है जो एक एक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखता है हालांकि कमरा नौ सी वर्ल्ड डांस चैंपियन डब्लू में भाग लेने वाले टीमों के लिए आरक्षित है समूह ने तुरंत डब्लू में शामिल होने से इनकार कर दिया और यह इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी नृतक नहीं था लेकिन चार डी ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए मना लिया एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि चरण गोवर ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अवैध तिजोरी सालीमार बनाने का ठेका दिया था तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया था समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को नियुक्त करने की कोशिश करता है और हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार डांसर मोहिनी से मिलवाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण में प्रभावित होती है और अंततः उनके इरादों से अनजान उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आते हैं वे पहले दौड़ में आहता प्राप्त करने का प्रबंधन करती हैं और अंत में हाइकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके डब्लू में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं कई दशक पहले कई दशक उनके कौशल की कमी के लिए उनका तिरस्कार करते हैं लेकिन चार्ली और उनके टीम मोहिनी के बिना सभी केवल डकैती से चिंतित हैं और दुबई में टीम कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है जिसमें उनके प्रायोजक ग्रोवर भी शामिल हैं और सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस रंट के दौरान गंभीर चोट से बचाते हैं दर्शकों से तुरंत सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करते हैं योजना पर जाने के बाद सब कुछ तैयार है दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे जो डकैती को रोकता है और सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीशों से प्रभावित होने के बाद भारत फाइनल में पहुंच गया है डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है और गिरफ्तारी के बाद मनोहर मुकदमे की अपील की लेकिन ग्रोवर ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूत के साथ छेड़छाड़ की मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली और हालाँकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक ख़ास पल साझा करते हैं जहाँ मोहिनी उनकी मदद करने लगती है और अंतिम दौर की रात डकैती शुरू हो जाती है मोहिनी विक्की को लिफ्ट में फुसलाती है और उससे खटकाया जाता है उसका अंगूठा जग द्वारा लिया जाता है और नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है जो कच्चा खोलता है और टैमी सफलतापूर्वक तिजोरी खोलती है और हालांकि चार्ली और टैमी को एक और ग्लास तिजोरी मिलती है जिसमें हीरे रखे होते हैं इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें सात अक्षर का पासवर्ड था चार्ली ने तिजोरी खोली और यह महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाती है लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है वो बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वो भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी रोहन भी उसका साथ देता है जिससे बाकी सदस्यों के बीच लड़ाई हो जाती है जब टीम इंडिया गायब पाई जाती है तो ग्रोवर का दावा है कि वह चोर हैं मोइनी मंच पर आती है और कुछ मिनटों के लिए अकेली ही परफॉर्म करती है कि इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले ग्रोवर दिखाई देते हैं चार्ली अंत में प्रकट होती है और टीम प्रतियोगिता जीत जाती है चरण और बिक्की ग्रोवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जेब में रख दिया उसी रेजर ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी और वह देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है उसका बदला पूरा हो गया टीम इंडिया एयरपोर्ट पहुंच गई और चार्ली अपने शीतल पेय में हीरो को छलनी कर देता है लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देता है जिसमें टीम तबाह हो जाती है हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया कि उसने नकली हीरे को असली हीरे के साथ ट्राफी पर बदल दिया टीम भारत पहुंच जाती है क्रेडिट के बाद दृश्य में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के कारण बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है और रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार लोकप्रियता हासिल करता है जबकि जग पहले बनाई जा रही फिल्म का निर्देशन करता है जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक होता है जो जग ने पहले किया था टैमी के पास अब कई बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही होती हैं तभी लंबी सज़ा पाने के बाद चरण और बिक्की ग्रोवर अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं मोहिनी अपना खुद का डांस स्कूल खोलती है और चार्ली एक हीरे से बनी अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है फिल्म समाप्त हो जाती है और वे सभी गले मिलते हैं और कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए फिल्म समाप्त होती है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में शाहरुख खान चंद्रमोहन के रूप में हैं और दीपिका पादुकोण मोहिनी जोशी के रूप में चार्ली की प्रेमिका और नंदू की दूर के रिश्तेदार और मोहिनी डांसर स्कूल की संस्थापक हैं और अभिषेक बच्चन दोहरी भूमिकाओं में हैं नंदू भिंडे और चार्ली के दोस्त के रूप में चरण गोर के रूप में बिकी गुरोवर हैं और सोनू सूद कैप्टन जो जगमोहन के रूप में हैं और टेंथन टैमी ईरानी के रूप में बोमन ईरानी और मनोहर और चार्ली के करीबी दोस्त हैं और बिवन हैं और सारी मार्सिकोटेज के मालिक चरण ग्रोवर के रूप में जैकी श्राफ हैं जिन्होंने मनोहर को धोखा दिया और उनकी कंपनी का मालिक है टीम कोरियाई लीडर के रूप में जेसन थाम हैं और सुबोध सिंह चरण के सहायक के रूप में मोहन कपूर हैं और वरुण पुरथी हैं और कवि शास्त्री हैं और हीरे के मालिक के रूप में रियो कपाड़िया हैं अनाम अनुपम खेर मनोहर शर्माचार्य के पिता और एक बुद्धिमान व्यवसायी के रूप में हैं और नमिता ईरानी के रूप में डीजी ईरानी टैमी की मां के रूप में हैं लैला के रूप में सारा जैन डयास डब्ल्यू में भारत के राजदूत हैं और वर्ल्ड चैंपियंस के होस्ट के रूप में डीनो मोरिया हैं और सरोज खान के रूप में कीकू शारदा हैं और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में प्रभु देवा हैं और मलाइका अरोरा मोनिका झावर के रूप में एक फिल्म की नायिका हैं और अरुणा कश्यप वर्ल्ड डांस चैंपियन ऑडियंस के चयन जज के रूप में हैं विश्व नृत्य चैंपियन ऑडियंस के चयन न्यायाधीश के रूप में विशाल दलदरानी हैं और साजिद खान एक फिल्म के निर्देशक के रूप में हैं गीता कपूर स्वयं हैं तो हैप्पी न्यू ईयर फराह अख्तर द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादकुण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह और जयकी श्राफ जैसे कलाकारों की टुकड़ी है और इसे यश राज फिल्म्स द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म में हीर हारे हुए लोगों का एक समूह खुद को एक ऐसी टीम में बदल देता है जो शहर और दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेती है और यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की डकैती को अंजाम देने वाली उनकी खोज के हिस्से के रूप में है तो फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान और इसकी पटक कथा लिखी है फराह खान ने और इस फिल्म में संवाद दिया है मयूर पुरी ने और आलिथा कौशल ने कहानी लिखी है फराह खान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है गौरी खान ने तो फ्रेंड्स इस फिल्म को वितरित करने वाले हैं ज फिल्म के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को अभिनीत किया है शहरुख खान दीपिका पादकौर अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवाह शाह और श्राफ हैं और इस फिल्म का छाकन किया है मानुष नंदन ने और इस फिल्म को संपादित किया है आनंद सुभैया और तुषार परेख ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर और डॉक्टर जूस और पृष्ठभूमि स्कोर जॉन स्टीवर्ड एडुरी हैं प्रोडक्शन कंपनी है, है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और इस फिल्म की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को दुबई में और 24 अक्टूबर 2014 को भारत में रिलीज किया गया था तो इस फिल्म को अंग्रेजी में भी बनाया गया है तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बजट की बात इस फिल्म का कुल बजट था 150 करोड़ और अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था तीन सौ चौरानबे करोड़ तो एक सौ पचास करोड़ यूएस चौबीस पॉइंट अट्ठावन मिलियन के कुल बजट पर निर्मित फिल्म ने मुख्य अभिनेता निर्माता और निर्देशक तीसरे सहयोग को चिन्हित किया है उन्होंने पहले मैं हुना दो हज़ार चार और ओम शांति ओम दो हज़ार सात में काम किया था जिनमें से बाद में दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई थी और हैप्पी न्यू ईयर को दिवाली 2014 में तमिल और तेलुगु में डब की संस्कृतों के साथ रिलीज किया गया था और हिंदी में लगभग बयालीस स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में आठ स्क्रीन प्राप्त किए थे जो अब तक की भारत में सबसे बड़ी फिल्म रिलीज थी और इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन और विशेष रूप से खान और बच्चन की साउंड ट्रैक हास्य सिनेमोटोग्राफी और एक्शन दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइन और दृश्य प्रभावों की सराहना की गई है लेकिन लेखन लंबाई और गति की आलोचना की गई है इसने अपनी शुरुआती दिन में भारत में पच्चीस करोड़ यूएस 4.1 मिलियन की कमाई की और अंत में दुनिया भर में कुल तीन करोड़ यू एस मिलियन की कमाई की थी साठवें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से हैप्पी न्यू ईयर को दो नामांकन मिले और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अभिषेक बच्चन और सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्या राय बच्चन सर्वश्रेष्ठ महिला परसुगायिका श्रेया घोषाल और मनवालागे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज फिल्म की स्क्रिप्ट को अपने पुस्तकालय में प्रदर्शित किया है और अमिताभ बच्चन शाहरुख खान अक्षय कुमार जूही चावला मनीषा कोयराला अमीषा पटेल प्रियंका चोपड़ा रवीना टंडन और जायद खान की कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म की योजना 2005 में शुरू हुई और फिल्म को अज्ञात कारणों से रोक दिया गया था और इसके बजाय फराह खान ने ओम शांति ओम 2007 बनाई जिसमें खान और दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म मार खान के बाद 2010 में फराह खान ने फिल्म की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया था और पठक कथा लेखन अक्टूबर 2012 तक पूरा हो गया था जब फिल्म को पुनर्जीवित किया गया तो फिल्म निर्माता खान के साथ मुख्य भूमिका में एक स्थापित अभिनेत्री चाहते थे लेकिन दिसंबर 2012 में मीडिया ने बताया कि निर्माताओं ने इस भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया था जो पठक कथा में बदलाव के बाद फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थी हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने तारीखों के मुद्दे के कारण फिल्म को ठुकरा दिया शेड्यूल उनके द्वारा साइन की गई एक और फिल्म के साथ टकरा रही थी इस भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था जैसे सोनाची सिन्हा आसिन ऐश्वर्या राय बच्चन परिणिधि चोपड़ा और कैटरीना कैफ हालांकि दीपिका पादकौण को अंतिम रूप में कौष्ट किया गया था जिससे ये खान के साथ उनकी तीसरी फिल्म बन गई थी ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस दो खान को फिल्म में एक चोर कलाकार की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी जिसमें दीपिका एक मराठी नर्तकी की भूमिका में थी और एक समय में जॉन अब्राहम को एक सहायक भूमिका निभानी थी लेकिन उनकी जगह सोनू सूद ने ले ली थी बोमन ईरानी की पुष्टि निर्देशक ने एक साक्षात्कार के दौरान की थी जिसे अगस्त दो में जयकी श्राफ को फिल्म के प्रतिभा की भूमिका के लिए अंतिम रूप दिया गया था निर्देशक के भाई साजिद खान अतिथि की भूमिका में होंगे जबकि अभिनेत्री मालिका अरोड़ा खान को भी कैमियो में शामिल होने के लिए साइन किया गया था विवान शाह को एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अभिनेता निर्देशक प्रभुदेवा ने एक कैमियो में नृत्य किया था तो फरा ने ट्विटर पर एक इसकी आधिकारिक घोषणा की और फिल्मांकन का पहला शेड्यूल नवंबर दो की शुरुआत में दुबई में शुरू हुआ था अरेबियन बिजनेस ने बताया कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा प्रतिष्ठित अंटलास्टिक द पॉम में शूट किया जाएगा जिसे 23 जनवरी 2014 को शाहरुख खान मुंबई के जेड ई डब्ल्यू मेरिट होटल में शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे हालांकि शुरुआत में उसे नाबालिग बताया गया था और उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी और बाया घुटना फट गया था इसीलिए उसे थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी गई थी तो महबूब स्टूडियोज को प्रमुख स्थानों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया गया था जबकि कुछ हिस्से विलन्स कॉलेज के पास फिल्माए गए थे अंतिम कार्यक्रम अगस्त 2014 में पूरा किया गया था तो फरा खान चाहते थे कि शाहरुख खान अपने लंबे बाल कर लें ताकि वह कंधे तक लंबे बाल रख सकें तो प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से व्यकृत पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराए गए थे और शाहरुख खान दीपिका पादुकोण बोमन ईरानी सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टी एम के ओ सी के सेट पर की गई थी तो रैपर यो यो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इसलैम शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पर यात्रा की और ह्यूस्टन में 19 सितंबर से शुरू होकर यह न्यू जर्सी वॉशिंगटन टोरंटो शिकागो बैकलूअर और सैन जोस में हुआ था स्लेम 5 अक्टूबर को भी यूनाइटेड किंगडम के लिए जारी किया गया था जिसे 13 अक्टूबर 2014 को ड्राइड और आई के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक एक फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक गेम जारी किया गया था इसे प्रोडक्शन कंपनी और भारतीय खेल कला आउट सेटिंग स्टूडियो गेम शास्त्र इंडिया के सहयोग से बनाया गया था तो यशराज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार वन पॉइंट पच्चीस मिलियन यू एस बीस पॉइंट अड़तालीस मिलियन में बेचे गए थे इसे सैटेलाइट अधिकार जी फाइव नेटवर्क को छः सौ पचास मिलियन यू एस दस पॉइंट पैंसठ मिलियन में और संगीत अधिकार टी सीरीज और एक सौ बीस मिलियन यू एस एक सौ बीस मिलियन में बेचे गए थे जहाँ उन्होंने वन पॉइंट सत्तानवे मिलियन कुल मिलाकर 2.02 मिलियन यूएस 33.1 मिलियन की पूर्व रिलीज राजस्व अर्जित किया था हैप्पी न्यू ईयर का संगीत विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित है जबकि गीत ईसाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं और पूर्ण पूर्ड ने 1 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था इससे पहले 21 सितंबर को इंडिया वाले और 25 सितंबर को मनवालाके के लिए प्रचार संगीत वीडियो जारी किया गया था जिसमें एल्बम लॉन्च होने के बाद लवली नॉनसेंस की नाइट और सतकली गाने के प्रचार वीडियो भी जारी किए गए थे इंडिया वाले को जस्ट डांस नाउ जस्ट डांस 2015 डाउनलोड करने योग्य सामग्री के रूप में चित्रित किया गया था और यह जस्ट डांस अनलिमिटेड सेवा का हिस्सा था साउंड को संगीत समीक्षकों द्वारा ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षाएँ मिली हैं द टाइम ऑफ इंडिया में कासमिन फर्नाडीज ने महसूस किया है कि एक चोरी की फिल्म के रूप में एक नृत्य प्रतियोगिता के आसपास केंद्रित तो है तो हैप्पी न्यू ईयर संगीतकार विशाल शेखर और गीतकार इसाद कामिल को धुनियों के साथ अपना रास्ता दिखाने के लिए भरपूर चारा प्रदान करता है और उन्होंने वितरित किया है कि सात में सात मोल ट्रैक एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण एक विविधता एक मेडली और एक वाद्य संख्या हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रोहित वत्स एल्बम को पाँच में से तीन सितारे दिए हैं और कहा है कि फ्राक खान गाने की गुणवत्ता की तुलना में अपनी फिल्म की भावना के बारे में अधिक चिंतित दिखती हैं और उन्हें आधुनिक धुनों के साथ जाने के लिए प्रेरित करती हैं कुल मिलाकर एल्बम औसत और केवल युवा उन्मुख है इस एल्बम के लिए लंबी उम्र हासिल करना मुश्किल होगा इंडिया डॉट कॉम के लिए प्रथमेश जाधव ने लिखा है कि एक मिश्रित बैग है इसके विपरीत कोई मोई के लिए आलोचक सुरवी रेडर ने महसूस किया है कि हैप्पी न्यू ईयर एल्बम उतना असाधारण नहीं है जितना कि फिल्म दिखती है बॉलीवुड म्यूजिकल साउंड की अपेक्षा के साथ ये विशाल शेखर के एक नियमित एल्बम में आता है यहाँ तक कि हालांकि एल्बम मनवा लागे और कमली जैसे ट्रैक के साथ हिट होगा लेकिन यह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा तो इस फिल्म को दुनिया भर में फ़िल्म ने तीन करोड़ यूएस एस चौंसठ मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है तो हैप्पी न्यू ईयर चवालीस पॉइंट सत्तानवे करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया और यह एक ही दिन में आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी आमिर खान अमिताभ बच्चन कटरीना कैफ और फातिमा सनासेख आपने दो हज़ार की दिवाली रिलीज ठग्स ऑफ हिंदुस्ताना द्वारा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था जिसने पहले दिन बावन पॉइंट पच्चीस करोड़ का सकल संग्रह किया था जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे अधिक है और यह रिकॉर्ड युद्ध द्वारा तोड़ा गया था जिसने संग्रह किया था और पहले दिन तिरपन पॉइंट पैंतीस करोड़ फिल्म ने शनिवार को शुद्ध रूप से ही दो सौ पचासी मिलियन की कमाई में गिरावट देखी और रविवार को संग्रह एक ही सीमा में थे शुरुआती सप्ताह में रिकॉर्ड नौ सौ सत्तर मिलियन नेट तक ले गए थे इस फिल्म ने दुनिया भर में अपने पहले सप्ताह में लगभग वन मिलियन की कमाई की और धूम के बाद किसी हिंदी फिल्म के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत थी फिल्म ने अपने पहले सोमवार को लगभग एक मिलियन की कमाई की और चार दिनों में कुल मिलाकर 1.09 मिलियन हो गई थी इसने कमाए और हफ्ते में फिल्म को लगभग सात सौ सत्तर मिलियन का भारी वितरक हिस्सा मिला फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में टू पॉइंट पैंतालीस अरब रुपए की कमाई की थी जो धूम थ्री के बाद अब तक की चौथी सबसे बड़ी कमाई थी इसने क्योंकि फिल्म ने सोमवार से कुछ सर्किट में एक अच्छी पकड़ बनाई थी जो पाँच दिनों में कुल 1.20 मिलियन नेट तक पहुंच गई थी हाइपिन ईयर ने अपने पहले सप्ताह में वन मिलियन की भारी कमाई और फिल्म का सप्ताह अच्छा रहा और सोमवार और मंगलवार को अखिल भारतीय संग्रह अच्छा रहा लेकिन बुधवार को इसमें गिरावट आई थी किक और चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करणों ने पहले सप्ताह में क्रमशः ग्यारह मिलियन नेट और छब्बीस मिलियन हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे शुक्रवार को लगभग 45 मिलियन नेट का अच्छा संग्रह किया था फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार और रविवार को लगभग सड़सठ पॉइंट पाँच मिलियन नेट और बानवे पॉइंट पाँच मिलियन की नेट कमाई के साथ भारी वृद्धि दिखाई थी हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे सप्ताह के अंत में लगभग दो सौ दो पॉइंट पाँच मिलियन की कमाई की जिससे उसका दस दिन का कुल दिन्यूं दिन्यूं नेट वन पॉइंट चौवन मिलियन हो गया था फिल्म ने दूसरे सोमवार को लगभग तीस मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और दूसरे मंगलवार को चालीस मिलियन की शुद्ध कमाई की और दूसरे बुधवार को सत्ताईस मिलियन की कमाई की थी तो हैप्पी न्यू ईयर ने अपने दूसरे सप्ताह में लगभग 353.8 मिलियन की कमाई की और कुल मिलाकर 1.685 मिलियन नेट हो गया था इसने अपने तीसरे सप्ताह में लगभग 45 मिलियन नेट की कमाई की जिससे इसका कुल नेट 1.73 मिलियन हो गया था तो हैप्पी न्यू ईयर ने तीसरे सप्ताह में लगभग 77.5 मिलियन नेट की कमाई की जो कुल वन पॉइंट छिहत्तर मिलियन नेट से थोड़ा अधिक है तो हैप्पी न्यू ईयर ने चौथे सप्ताह में पंद्रह पॉइंट छः मिलियन नेट और पाँचवें सप्ताह में तीन पॉइंट चार मिलियन की कुल कमाई की जिससे इसका कुल योग वन पॉइंट तिरासी मिलियन नेट हो गया था ये बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हैप्पी न्यू ईयर को सुपर हिट घोषित किया था इसका अंतिम घरेलू सकल दो सौ पंचानबे करोड़ यूएस अड़तालीस मिलियन था तो हैप्पी न्यू ईयर ने यूएस एट पॉइंट वन मिलियन यानी कि चार सौ अट्ठानबे मिलियन के आंकड़े के साथ अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी ओपनिंग वीकेंड दर्ज किया गया था इस फिल्म ने खाड़ी देशों में यानी कि नेपाल श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका मलेशिया थाईलैंड में सर्वकालिक रिकॉर्ड शुरुआत किए और हांगकॉन्ग और जर्मनी के पहले सप्ताह में फिल्म ने खाड़ी देशों में 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए थे और 178 मिलियन यूएस कनाडा में 2 मिलियन डॉलर और 123 मिलियन यानी कि पाँच हज़ार यानी कि छप्पन मिलियन यूनाइटेड किंगडम और तीन हज़ार बीस मिलियन ऑस्ट्रेलिया में और पी के आर बासठ मिलियन और यू एस छः सौ हज़ार आई एन आर और सैंतीस मिलियन पाकिस्तान में हैप्पी न्यू ईयर ने जर्मनी में एक हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे अच्छी शुरुआत की क्योंकि रिलीज़ के पहले दिन इसने चौरानबे हज़ार की कमाई की और धूम धूमथेरी ने सप्ताह में छियासी हज़ार की कमाई की थी और माई नेम इज खान ने सप्ताह में अट्ठानवे हज़ार की कमाई की थी विदेशों में अपने थिएटर रन के अंत में फिल्म ने विदेशी बाज़ारों में यूएस एस सोलह पॉइंट इकहत्तर मिलियन और एक सौ दो करोड़ रुपए विदेशी बाज़ारों में अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है फिल्म बारह फरवरी दो को चेन में रिलीज हुई थी इसने चीनी बॉक्स ऑफिस पर कुल पाँच हज़ार यानी कि तीन पॉइंट इक्कीस करोड़ की कमाई की थी तो इस फिल्म को आलोचनात्मक स्वीकृत कैसी प्राप्त हुई हैं तो आइए जानते हैं तो फिल्म को भारत और विदेशों में आलोचकों से मिश्री समीक्षाएँ मिली हैं तो चौदह समीक्षाओं के आधार पर राड एन पर इसकी औसत रेटिंग सत्तावन पॉइंट रेटिंग रही है जबकि मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन और हास्य सामग्री को प्रशंसाएं मिली हैं चरित्र विकास की कमी और अनौपचारिक कथानक को आलोचना मिली है तो सी एन एन और आई बी एन के राजीव मसंद ने पाँच में से ढाई सितारे दिए हैं और टिप्पणी की है कि हैप्पी न्यू ईयर देखते समय आप बारी बारी से खुद को हंसते हुए और पाएंगे जिसमें निर्देशक फराह खान कुशलता से एक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता और प्रदर्शन के खिलाफ एक चोरी की साजिश रचते हैं ये एक जिज्ञासु आधार और एक फराह खान के कई समान तत्वों को लेती है जो उसमें से हूँ और ओम शांति ओम में अच्छे उपयोग के लिए लागू किया गया था अर्थात बहुत सारे संदर्भ सत्तर के दशक के बॉलीवुड के लिए स्नेही संकेत और कभी कभी खुद पर हंसने की क्षमता और अनुपमा चोपड़ा ने पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि उनमत शेरगुल भड़कलीला और मोटे तौर पर अंतरहीन और फना पार्परिंग कहती वाली फिल्म की रूपरेखा लेती हैं और प्रतिशोध मेलोड्रामा कॉमेडी रोमांस अनगित चमकदार नृत्य दर्शु और एक चरमोत्सव के रूप में देशभक्ति की एक खुराक है इंडियन एक्सप्रेस के सौरभ गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और लिखा है कि मेरा भारत महान भावनाएं टाइम फिल्म कहा और ये एक महासागर के ग्यारह बारह और प्लेस डांस के बीच एक क्रॉस है रेडफी ने फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि यह फिल्म शुरू से ही नकल की तरह चलती है एक विशाल लार्क जहां कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है एन ने भी फिल्म को पाँच में से दो सितारे दिए हैं और कहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बावजूद इसमें पेश करने के लिए कुछ भी नया नहीं है फर्स्ट पोस्ट के मिहिर फर्निवेशन ने कहा है कि फिल्म एक होम वीडियो प्रोजेक्ट की तरह दिखती है और महसूस होती है कि जिसका इरादा पूरे ब्रह्मांड में दो लोगों को यानी कि फराह और शाहरुख खान द्वारा प्रशंसा के लिए किया गया था और ओसंस ग्यारह बोमन द्वारा फिर से लिखा गया था और प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित तो वत्स ने मौलिकता को लेते हुए फिल्म को पाँच में से ढाई सितारे की रेटिंग दी है और कहा है कि मौलिकता वो हैप्पी न्यू ईयर मेंफरा खान से पूछो तो रा... राइटर्स की शिल्पा जाम खंडीकर ने कहा है कि फिल्म ने उदारतापूर्वक हॉलीवुड की डकैती फिल्मों से उधार लिया है विशेष रूप से स्टीवन सोडर्सबर्ग की ओशंस इलेवन से पहली छमाही हल्की है और कई बार वास्तव में मज़ेदार है लेकिन जैसे जैसे दूसरी छमाही बढ़ती है कार्यवाही नीरस हो जाती है द हॉलीवुड रिपोर्ट्स की लिसा सेरिंग ने फिल्म की समीक्षा की है एक महत्वाकांक्षी संगीत एक प्रेम कहानी और एक महासागर की ग्यारह शैली अपराध शरारत डान के समी कहर ने फिल्म को पाँच में से ढाई सितारे दिए हैं और कहा है कि यह फिल्म ओशंस इलेवन प्लस इटलियन जॉ प्लस स्टेप अप और आल इन वन सस्ते आकार बिगड़ने वाले स्टैर्ड पर है तो इस फिल्म में बॉलीवुड फिल्म क्रियोग्राफ सरोज खान कथित तौर पर फिल्म में पैरोडी किए जाने के बाद परेशान हो गई और फराह खान ने सरोज खान की नकल करने से इनकार कर फराह खान ने इससे पहले 2007 में अपनी फिल्म ओम शांति ओम में कथित तौर पर मनोज कुमार की नकल की थी और जया बच्चन ने हैप्पी न्यू ईयर को एक बकवास फिल्म के रूप में वर्णित किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने इसे केवल इसीलिए देखा क्योंकि अब शेख इसमें हैं मैंने उनसे कहा कि वो एक महान अभिनेता हैं यदि वो कैमरे के सामने इस तरह है। से बेवकूफ़ी कर सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में सोनू सूजी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो सोनू सूजी का जन्म 30 जुलाई 1973 को मोंगा पंजाब में हुआ था लेकिन बाद में उच्च शिक्षा के लिए वो नागपुर स्थापित हो गए थे जहां यशवंत राव चौहान अभिनेंत्रिकी महाविद्यालय में वो मॉडलिंग में सोनू सूद ने उन्नीस में एक तेलुगु महिला सोनाली से शादी की उनके दो बेटे हैं शूद चैरिटी फाउंडेशन के मालिक हैं उन्होंने सभी कद के लोगों की मदद के लिए सूद चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना की है और कोविड 19 महामारी के दौरान सामाजिक कार्य उन्होंने मई 2020 में कोविड 19 महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान सोनू सू जी ने हजारों फंसे हुए भारतीय प्रवासी श्रमिकों के उनके लिए बसों विशेष ट्रेनों और चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करके उनके घर तक पहुंचाने में मदद की जुलाई 2020 में उन्होंने कर्गिस्तान में फंसे पंद्रह सौ से अधिक भारतीय छात्रों को विशेष के वाराणसी ले जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की थी महामारी के दौरान उनके दान की सराहना की गई थी और उन्होंने भारत में एक वास्तविक जीवन के नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था जिन्हें 25 जुलाई 2020 को एक किसान की बेटियों के खेत की जुताई करने का एक वीडियो जैसे बैल अपने कंधों पर जुएं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सोनू सूजी ने जल्दी से जल्दी परिवार का को ट्रैक्टर भेजा और पाँच अगस्त दो को उन्होंने मुख्य रूप से तमिलनाडु के 101 मेडिकल छात्रों की मदद की जो लॉकडाउन के दौरान मास्को में फंसे हुए थे उनकी मदद के लिए अपनी टीम से संपर्क करने के बाद उनके द्वारा की गई चार्टर्ड फ्लाइट से सुरक्षित चेन्नई पहुँचाए गए थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म में दीपिका पादुकोण जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो वो एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम करती हैं और वो भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं और उनकी प्रशंसा में तीन फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं और वो देश की सबसे लोकप्रिय हस्तियों की सूची में शामिल हैं टाइम ने उन्हें 2018 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया है और 2022 में उन्हें टाइम 100 इफेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो इनका जन्म पाँच जनवरी उन्नीस को कोपेन हेगन डेनमार्क में हुआ था इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है इनका पेशा अभिनेत्री हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 से की थी और इनके जीवन साथी हैं रणवीर सिंह तो इनके माता पिता प्रकाश पादकोण हैं पिता तो बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादकोण की बेटी दीपिका पादकोण का जन्म कोपेन हेगन में हुआ था उनका लालन पालन बेंगलोर में हुआ था एक किशोरी के रूप में उसने राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन में बैडमिंटन खेला लेकिन एक फैशन मॉडल बनने के लिए खेल में अपना करियर छोड़ दिया था उन्हें जल्द ही जल्द फिल्म की भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे और उन्होंने 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या के शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय अभिनय की शुरुआत की और दीपिका पादुकोण ने अपनी पहली बॉलीवुड रिलीज रोमांस ओम शांति ओम 2007 में शाहरुख खान के साथ दोहरी भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और दीपिका पादुकोण को रोमांस लव आजकल में उनकी अभिनित भूमिका के लिए प्रशंसाएं मिली हैं दो में लेकिन इसके बाद एक संक्षिप्त झटका लगा रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल 2012 में उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया और उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ए जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस दोनों 2013 में हेस्ट कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर 2014 संजय में भूमिकाओं के साथ और सफलता प्राप्त की थी तो लीला भंसाली की पीरियड ड्रामा बाजी राव मस्तानी दो और पदमावत दो और हॉलीवुड एक्शन फिल्म एक्स 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 रिटर्न ऑफ जेंडर केज दो तो लीला भंसाली की खुद रोमांस गोलियों की रासलीला और रामलीला में जूलियट पर आधारित एक चरित्र को निभाने के लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसाएं मिली और 2013 और कमेडी ड्रामा पीकू 2015 में एक जिद्दी बेटी यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते थे और अपनी खुद की कंपनी का प्रोडक्शन के तहत एक छोटे अंतराल और दो व्यावसायिक रूप से असफल प्रस्तुतियों के बाद दीपिका पादुकोण ने अपनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पठान दो में अभिनय किया है तो दीपिका पादुकोण दाल्यूर लव लाफ फाउंडेशन के संस्थापक हैं जो भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करती है नारीवाद और अवसाद जैसे मुद्दों के बारे में मुखर है वो स्टेज शो में भाग लेती हैं और एक अखबार के कालम लिखती हैं महिलाओं के लिए अपने खुद के कपड़ों की लाइन डिजाइन करती हैं और ब्रांड और उत्पादों के लिए एक प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोसर हैं उनके अन्य उपक्रमों में स्टार्टअप निवेश और एक शो देखभाल ब्रांड शामिल है जो दीपिका पातकोण ने अपने अक्सर शाह कलाकार रणवीर सिंह से शादी की है दीपिका पातकोण जी का जन्म पाँच फरवरी उन्नीस को कोपहंगन डेनमार्क में कोकणी भाषा माता पिता के यहाँ हुआ था यह उनके पिता प्रकाश पादकोण और एक पूर्व पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और उनकी मां उज्ज्वला एक ट्रैवल एजेंट हैं उनकी छोटी बहन अनिशा एक गोल्फ खिलाड़ी हैं उनके दादा रमेश मंसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव थे जब दीपिका पादकोण एक वर्ष की थी तब परिवार बेंगलोर भारत में स्थानांतरित हो गया था उन्होंने बेंगलोर के सोफिया हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और माउंट मार्केल कॉलेज में अपनी पूर्व विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की थी उन्होंने बाद में समाजशास्त्र में कला स्नातक की डिग्री के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिल लिया था लेकिन अपने मॉडलिंग करियर के साथ शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण बाहर हो गई थी तो दीपिका पादको ने एक बच्चे के रूप में सामाजिक रूप से अजीब थी और उनके कई दोस्त नहीं थे उनके जीवन का फोकस बैडमिंटन था जिसे उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रतिस्पर्धा रूप से खेला और 2012 में एक साक्षात्कार में अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हुए दीपिका पादकोण ने कहा कि मैं सुबह पाँच बजे उठती थी शारीरिक प्रशिक्षण के लिए जाती थी और स्कूल जाती थी फिर से बैडमिंटन खेलने जाती थी अपना होमवर्क पूरा करती थी और सो जाती थी दीपिका पातकोण ने अपने स्कूल के वर्षों के दौरान बैडमिंटन में अपना करियर बनाना जारी रखा और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में खेला और उसने कुछ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में वेस्ट बॉल भी खेला था अपनी स्कूली शिक्षा और खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीपिका पादकोण ने एक बॉल मॉडल के रूप में भी काम किया है वो पहली बार आठ साल की उम्र में कुछ विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी थी और दसवीं कक्षा में उसने फोकस बदला और एक फैशन मॉडल बनने का फैसला किया था और उसने समझाया कि मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस खेल में केवल इसीलिए खेल रही हूँ क्योंकि यह परिवार में चलता था इसीलिए मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं खेल छोड़ सकती हूँ वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे उन्होंने कहा कि 2004 में उन्होंने प्रसाद दी दापा के संस्करण में एक मॉडल के रूप में पूर्णकालिक करियर शुरू किया तो अपने करियर की शुरुआत में दीपिका पादकोण ने साबुन रियल के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन के साथ पहचान हासिल की और कई अन्य ब्रांडों और उत्पादों के लिए मॉडलिंग की और 2005 में उन्होंने डिजाइनर सुनीता वर्मा के लिए क्लाइमेक्स फैशन वीक में रनवे की शुरुआत की और किंगफिशर फैशन अवार्ड्स के मॉडल ऑफ द ईयर जीता दीपका पातकों प्रसिद्धि तब तक बढ़ी जब तक वो दो हजार किंग फिशर कैलेंडर के लिए एक लोकप्रिय प्रिंट अभियान में दिखाई दी थी तो डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स की ने टिप्पणी की है कि ऐश्वर्या राय के बाद हमारे पास इतनी सुंदर और ताज़ा लड़की नहीं है लड़की ने उसे गंजम ज्वेलरी क्लास में देखा था और वो पढ़ा रहा था और उसने मैट्रिक टैलेंट एजेंटों की मदद के साथ अनुबंध किया और 21 साल की उम्र में दीपिका पातकुण मुंबई आ गई थी और अपने मौसी के घर रहने लगी थी उस वर्ष उन्होंने हिमेश रेशमिया के गीत में नाम है तेरा के संगीत में वीडियो अपने अभिनय करके व्यापक पहचान हासिल की और दीपिका पातकोण जल्द ही फिल्म की भूमिकाओं के प्रस्ताव मिलने लगे थे और एक अभिनेता के रूप में खुद को बहुत अनुभवी मानते हुए उन्होंने अनुपम खेर के फिल्म अकादमी में एक कोर्स के लिए दाखिला लिया और मीडिया की काफ़ी अटकलों के बाद निर्देशक फराह खान ने जिन्होंने उन्हें रेमसमिया के संगीत वीडियो में देखा था और उन्होंने अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका के लिए कॉस्ट करने का फैसला किया जिसका नाम हैप्पी न्यू ईयर रखा गया था राडिक्स भी उन्हें भूमिका दिलाने में मदद करने का श्रेय लेते हैं खान फिल्म में अभिनय करने के लिए एक मॉडल की तलाश कर रहे थे मलिका अरोड़ा से संपर्क करने में आए थे रेडिक्स जिनके लिए दीपिका पातकोड़ लगभग दो साल से मॉडलिंग कर रही थी उनकी एक करीबी दोस्त अरोड़ा से सिफारिश की जिन्होंने बदले में खान फ्रेम करना चाहते हैं इसे पूरा करने के लिए वो टी एक टीम बनाता है और पूर्व कप्तान जगमोहन जग यानी कि प्रकाश शून्य में कठोर व्यक्ति और हेमटन टेमिलो टैमी ईरानी एक बूढ़ा और जब्ती सुरक्षा सुरक्षाकर्मी है जो मनोहर का सबसे अच्छा दोस्त था रोहन सिंह एक युवा बुद्धिमान हाइकर है जो जग का भतीजा है और चरण के बेटे बिक्की ग्रोवर के हमशक्ल नंदू से भिड़े हैं चार्ली ने टीम को समझाया कि होटल में कमरा नौ सी तिजोरी से जुड़ा हुआ है जो एक एक्ट सिस्टम के माध्यम से हीरे रखता है हालांकि कमरा नौ सी वर्ल्ड डांस चैंपियन डब्लू में भाग लेने वाले टीमों के लिए आरक्षित है समूह ने तुरंत डब्लू में शामिल होने से इनकार कर दिया और यह इंगित करते हुए कि उनमें से कोई भी नृतक नहीं था लेकिन चार्डी ने समूह को फिर से प्रेरित किया और उन्हें एक नृत्य टीम बनाने के लिए मना लिया एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि चरण गोवर ने मनोहर से मुलाकात की और उन्हें एक अवैध तिजोरी सारी मार बनाने का ठेका दिया था तिजोरी पूरी होने के बाद चरण ने मनोहर को नशीला पदार्थ पिलाया और अपनी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल करके हीरे चुराने के लिए राजी कर लिया था समूह बिना किसी लाभ के नृत्य प्रशिक्षक को नियुक्त करने की कोशिश करता है और हताशा में नंदू चार्ली को एक मराठी बार डांसर मोहिनी से मिलवाता है जो चार्ली के अंग्रेजी उच्चारण में प्रभावित होती है और अंततः उनके इरादों से अनजान उन्हें नृत्य सीखने में मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और चार्ली और मोहिनी बहुत करीब आते हैं वे पहले दौर में आहता प्राप्त करने का प्रबंधन करती हैं और अंत में हाइकिंग के माध्यम से वोट प्राप्त करके डब्लू में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने की प्रतियोगिता जीतते हैं कई दशक पहले कई दर्शक उनके कौशल की कमी के लिए उनका तिरस्कार करते हैं लेकिन चार्ली और उनके टीम मोहिनी के बिना सभी केवल डकैती से चिंतित हैं और दुबई में टीम कोरिया विशेष रूप से टीम इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है जिसमें उनके प्रायोजक ग्रोवर भी शामिल हैं और सेमीफाइनल में चार्ली एक कोरियाई टीम के सदस्य को एक डांस रंट के दौरान गंभीर चोट से बचाते हैं दर्शकों से तुरंत सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करते हैं योजना पर जाने के बाद सब कुछ तैयार है दुर्भाग्य से टीम को पता चलता है कि हीरे क्रिसमस के बजाय नए साल की पूर्व संध्या पर पहुंचेंगे, जो डकैती को रोकता है और सौभाग्य से चार्ली की कार्रवाई से न्यायाधीशों से प्रभावित होने के बाद भारत फाइनल में पहुंच गया है डकैती के बारे में सुनकर मोहिनी खत्म हो जाती है और जाने के लिए मुड़ जाती है चार्ली उसे सब कुछ बताता है और बताता है कि मनोहर वास्तव में मर चुका है और गिरफ्तारी के बाद मनोहर मुकदमे की अपील की लेकिन ग्रोवर ने मनोहर के वकीलों को रिश्वत दी और सबूत के साथ छेड़छाड़ की मनोहर ने पूरी उम्मीद खोते हुए अपनी कलाई काट ली और हालांकि इससे मनोहर का बदला लेने के लिए टीम का दृढ़ संकल्प बढ़ जाता है और वह एक ख़ास पल साझा करते हैं जहां मोहिनी उनकी मदद करने लगती है और अंतिम दौर की रात डकैती शुरू हो जाती है मोहिनी विक्की को लिफ्ट में फुसलाती है और उसे खटकाया जाता है उसका अंगूठा जग द्वारा लिया जाता है और नंदू द्वारा उपयोग किया जाता है जो कच्चा खोलता है और टैमी सफलतापूर्वक तिजोरी खोलती है और हालांकि चार्ली और टैमी को एक और ग्लास तिजोरी मिलती है जिसमें हीरे रखे होते हैं इसे मनोहर ने बनाया था और इसमें सात अक्षर का पासवर्ड था चार्ली ने तिजोरी खोली और यह महसूस करते हुए कि तिजोरी खोलने का पासवर्ड उसका अपना नाम था हीरे चुराने के बाद टीम नाव पर चढ़ जाती है लेकिन मोहिनी आने से मना कर देती है वो बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज़ है सम्मान पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा था और वो भारत का सम्मान खोने नहीं दे रही थी रोहन भी उसका साथ देता है जिससे बाकी सदस्यों के बीच लड़ाई हो जाती है जब टीम इंडिया गायब पाई जाती है तो ग्रोवर का दावा है कि वह चोर हैं मोहिनी मंच पर आती है और कुछ मिनटों के लिए अकेली ही परफॉर्म करती है कि इसके तुरंत बाद टीम के अन्य सदस्य चौंकाने वाले ग्रोवर दिखाई देते हैं चार्ली अंत में प्रकट होती है और टीम प्रतियोगिता जीत जाती है चरण और बिक्की ग्रोवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है चार्ली ने खुद को चरण के सामने प्रकट किया और उसकी जेब में रख दिया उसी रेजर ब्लेड से मनोहर ने उसकी कलाई काट दी और वह देखता है कि पुलिस उसे ले जाती है उसका बदला पूरा हो गया टीम इंडिया एयरपोर्ट पहुंच गई और चार्ली अपने शीतल पेय में हीरो को छलनी कर देता है लेकिन सुरक्षा गार्ड इसे नष्ट कर देता है जिसमें टीम तबाह हो जाती है हालांकि बाद में उड़ान के दौरान चार्ली ने खुलासा किया कि उसने नकली हीरे को असली हीरे के साथ ट्राफी पर बदल दिया टीम भारत पहुंच जाती है क्रेडिट के बाद दृश्य में नंदू को विजेताओं का चेक दिखाने के कारण बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है और रोहन अंत में लड़कियों के बीच अपार लोकप्रियता हासिल करता है जबकि जग पहले बनाई जा रही फिल्म का निर्देशन करता है जिसमें मूल निर्देशक बम नियंत्रक होता है जो जग ने पहले किया था टैमी के पास अब कई बुजुर्ग महिलाएं अपने नायक के रूप में उसका पीछा कर रही होती हैं तभी लंबी सजा पाने के बाद चरण और बिक्की ग्रोवर अब दुबई शहर की जेल में अपनी बेगुनाही की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं मोहिनी अपना खुद का डांस स्कूल खोलती है और चार्ली एक हीरे से बनी अंगूठी के साथ उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है फिल्म समाप्त हो जाती है और वे सभी गले मिलते हैं और कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए फिल्म समाप्त होती है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में शाहरुख खान चंद्रमोहन के रूप में हैं और दीपिका पादुकोण मोहिनी जोशी के रूप में चार्ली की प्रेमिका और नंदू की दूर के रिश्तेदार और मोहिनी डांसर स्कूल की संस्थापक हैं और अभिषेक बच्चन दोहरी भूमिकाओं में हैं नंदू भिंडे और चार्ली के दोस्त के रूप में चरण गोर के रूप में बिकी गुरोवर हैं और सोनू सूद कैप्टन जो जगमोहन के रूप में हैं और टेंथन टाइमी ईरानी के रूप में बोमन ईरानी और मनोहर और चार्ली के करीबी दोस्त हैं और बिवन हैं और सारी कोटेज के मालिक चरण ग्रोवर के रूप में जैकी श्राफ हैं जिन्होंने मनोहर को धोखा दिया और उनकी कंपनी का मालिक है टीम कोरियाई लीडर के रूप में जेसन थाम हैं और सुबोध सिंह चरण के सहायक के रूप में मोहन कपूर हैं और वरुण पुरथी हैं और कवि शास्त्री हैं और हीरे के मालिक के रूप में रियो कपाड़िया हैं अनहम अनुपम खेर मनोहर शर्माचार्य के पिता और एक बुद्धिमान व्यवसायी के रूप में हैं और निमिता ईरानी के रूप में डीजी ईरानी टैमी की मां के रूप में हैं लैला के रूप में सारा जेन डयास डब्ल्यू में भारत के राजदूत हैं और वर्ल्ड चैंपियंस के होस्ट के रूप में डीनो मोरिया हैं और सरोज खान के रूप में कीकू शारदा हैं और नृत्य प्रशिक्षक के रूप में प्रभु देवा हैं और मलाइका अरोरा मोनिका झावर के रूप में एक फिल्म की नायिका हैं और अरुणा कश्यप वर्ल्ड डांस चैंपियन ऑडियंस के चयन जज के रूप में हैं विश्व नृत्य चैंपियन ऑडियंस के चयन न्यायाधीश के रूप में विशाल दलदरानी हैं और साजिद खान एक फिल्म के निर्देशक के रूप में हैं गीता कपूर स्वयं हैं तो हैप्पी न्यू ईयर फराह अख्तर द्वारा निर्देशित और रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित 2014 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह और जैकी श्राफ जैसे कलाकारों की टुकड़ी है और इसे यश राज फिल्म्स द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म में हीर हारे हुए लोगों का एक समूह खुद को एक ऐसी टीम में बदल देता है जो शहर और दुनिया भर में लोगों के दिल को जीत लेती है और यह सब अब तक की देखी गई सबसे बड़ी हीरे की डकैती को अंजाम देने वाली उनकी खोज के हिस्से के रूप में है तो फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं फराह खान और इसकी पटक कथा लिखी है फराह ख़ान ने और इस फिल्म में संवाद दिया है मयूर पुरी ने और आलिथा कौशल ने कहानी लिखी है फराह खान ने और इस फिल्म को उत्पादित किया है गौरी खान ने तो फ्रेंड्स इस फिल्म को वितरित करने वाले हैं यसराज फिल्म के तहत इस फिल्म को वितरित किया गया है तो फ्रेंड्स इस फिल्म को अभिनित किया है शहरुख खान दीपिका पादकौण अभिषेक बच्चन सोनू सूद बोमन ईरानी विवान शाह और जयकि श्राफ हैं और इस फिल्म का छांकन किया है मानुष नंदन ने और इस फिल्म को संपादित किया है आनंद सुभैया और तुषार परेख ने और इस फिल्म में संगीत दिया है विशाल शेखर और डॉक्टर जूस और पृष्ठभूमि स्कोर जॉन स्टीवर्ड एडूरी हैं प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और इस फिल्म की रिलीज डेट 30 अक्टूबर 2014 को दुबई में और 24 अक्टूबर 2014 को भारत में रिलीज किया गया था तो इस फिल्म को अंग्रेजी में भी बनाया गया है तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बजट की बात इस फिल्म का कुल बजट था 150 करोड़ और अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था तीन सौ चौरानबे करोड़ तो 150 करोड़ यूएस चौबीस मिलियन के कुल बजट पर निर्मित फिल्म ने मुख्य अभिनेता निर्माता और निर्देशक तीसरे सहयोग को चिन्हित किया है उन्होंने पहले मैं हुना 2004 और ओम शांति ओम 2007 में काम किया था जिनमें से बाद में दीपिका पादुकोण ने मुख्य भूमिका निभाई थी और हैप्पी न्यू ईयर को दिवाली 2014 में तमिल और तेलुगु में डब की संस्करण के साथ रिलीज किया गया था और हिंदी में लगभग बयालीस स्क्रीन और तमिल और तेलुगु में आठ स्क्रीन प्राप्त किए थे जो अब तक की भारत में सबसे बड़ी फिल्म रिलीज थी और इसे समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली हैं जिन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन और विशेष रूप से खान और बच्ची की साउंडट्रैक हास्य सिनेमोटोग्राफी और एक्शन दृश्यों और प्रोडक्शन डिजाइन और दृश्य प्रभावों की सराहना की गई है लेकिन लेखन लंबाई और गति की आलोचना की गई है इसने अपने शुरुआती दिन में भारत में पच्चीस करोड़ यूएस 4.1 मिलियन की कमाई की और अंत में दुनिया भर में कुल तीन करोड़ यू एस मिलियन की कमाई की थी साठवें फिल्मफेयर पुरस्कारों में से हैप्पी न्यू ईयर को दो नामांकन मिले और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अभिषेक बच्चन और सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल और मनवालागे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज फिल्म की स्क्रिप्ट को अपने पुस्तकालय में प्रदर्शित किया है और अमिताभ बच्चन शाहरुख खान अक्षय कुमार जूही चावला मनीषा कोयराला अमीषा पटेल प्रियंका चोपड़ा रवीना टंडन और जायद खान की कलाकारों की टुकड़ी के साथ फिल्म की योजना 2005 में शुरू हुई और फिल्म को अज्ञात कारणों से रोक दिया गया था और इसके वजह फराह खान ने ओम शांति ओम 2007 बनाई जिसमें खान और दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्म मार खान के बाद 2010 में फराह खान ने फिल्म की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया था और पठक कथा लेखन अक्टूबर 2012 तक पूरा हो गया था जब फिल्म को पुनर्जीवित किया गया तो फिल्म निर्माता खान के साथ मुख्य भूमिका में एक स्थापित अभिनेत्री चाहते थे लेकिन दिसंबर 2012 में मीडिया ने बताया कि निर्माताओं ने इस भूमिका के लिए प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया था जो पठक कथा में बदलाव के बाद फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थी हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने तारीखों के मुद्दे के कारण फिल्म को ठुकरा दिया शेड्यूल उनके द्वारा साइन की गई एक और फिल्म के साथ टकरा रही थी इस भूमिका के लिए कई अभिनेत्रियों पर विचार किया गया था जैसे सोनाची सिन्हा आशीन ईश्वर्या राय बच्चन परिणिधि चोपड़ा और कैटरीना कैफ हालांकि दीपिका पादकों को अंतिम रूप में कॉष्ट किया गया था जिससे ये खान के साथ उनकी तीसरी फिल्म बन गई थी ओम शांति ओम और चेन्नई एक्सप्रेस दो खान को फिल्म में एक चोर कलाकार की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी जिसमें दीपिका एक मराठी नर्तकी की भूमिका में थी और एक समय में जॉन अब्राहम को एक सहायक भूमिका निभानी थी लेकिन उनकी जगह सोनू सूद ने ले ली थी बोमन ईरानी की पुष्टि निर्देशक ने एक साक्षात्कार के दौरान की थी जिसे अगस्त 2013 में जयकी श्राफ को फिल्म के की भूमिका के लिए अंतिम रूप दिया गया था निर्देशक के भाई साजिद खान अतिथि की भूमिका में होंगे जबकि अभिनेत्री माइलका अरोड़ा खान को भी कैमियों में शामिल होने के लिए साइन किया गया था विवान शाह को एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी लेकिन अभिनेता निर्देशक प्रभुदेवा ने एक कमियों में नृत्य किया था तो फरा ने ट्विटर पर एक इसकी आधिकारिक घोषणा की और फिल्मांकन का पहला शेड्यूल नवंबर 2013 की शुरुआत में दुबई में शुरू हुआ था अरेबियन बिजनेस ने बताया कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा प्रतिष्ठित अंटरलास्टिक द पॉमिंग शूट किया जाएगा जिसे 23 जनवरी 2014 को शाहरुख खान मुंबई के जेडईडब्ल्यू यू मेरिट होटल में शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे हालांकि शुरुआत में उसे नाबालिग बताया गया था और उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी और बाया घुटना फट गया था इसीलिए उसे थोड़ी देर आराम करने की सलाह दी गई थी तो महबूब स्टूडियोज को प्रमुख स्थानों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया गया था जबकि कुछ हिस्से विलन्स कॉलेज के पास फिल्माए गए थे अंतिम कार्यक्रम अगस्त 2014 में पूरा किया गया था तो फरा ख़ान चाहती थी कि शाहरुख खान अपने लंबे बाल कर लें ताकि वह कंधे तक लंबे बाल रख सकें तो प्रचार के लिए कलाकारों के हस्तलेखन में लिखे गए डिजिटल रूप से व्यकृत पोस्टर सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराए गए थे और शाहरुख खान दीपिका पादुकोण बोमन ईरानी सोनू सूद और विवान शाह की टीम अपनी फिल्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टी एम के ओ सी के सेट पर की गई थी तो रैपर यो यो हनी सिंह और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म के कलाकारों और क्रू ने इस्लैम शीर्षक से एक प्रमोशनल टूर पर यात्रा की और ह्यूस्टन में 19 सितंबर से शुरू होकर यह जर्सी वाशिंगटन, टोरंटो शिकागो बैकलूवर और सेंट जोस में हुआ था स्लैम 5 अक्टूबर को भी यूनाइटेड किंगडम के लिए जारी किया गया था जिसे 11 अक्टूबर 2014 को हेड्राइड और आई ओ एस के लिए हैप्पी न्यू ईयर द गेम नामक एक फिल्म पर आधारित एक आधिकारिक गेम जारी किया गया था इसे प्रोडक्शन कंपनी और भारतीय खेल कला आउटसेटिंग स्टूडियो गेम शास्त्र इंडिया के सहयोग से बनाया गया था तो यश राज फिल्म को दुनिया भर में वितरण अधिकार वन पॉइंट पच्चीस मिलियन यू एस बीस पॉइंट अड़तालीस में बेचे गए थे इसे सैटेलाइट अधिकार जी फाइव नेटवर्क को छः सौ पचास मिलियन यू एस दस पॉइंट पैंसठ मिलियन में और संगीत अधिकार टी सीरीज और एक सौ बीस मिलियन यू एस एक सौ बीस मिलियन में बेचे गए थे जहां उन्होंने वन पॉइंट मिलियन कुल मिलाकर 2.02 मिलियन यूएस 33.1 मिलियन की पूर्व रिलीज राजस्व अर्जित किया था हैप्पी न्यू ईयर का संगीत विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित है जबकि गीत ईसाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं और पूर्ण साउंटरिंग एक अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था इससे पहले 21 सितंबर को इंडिया वाले और 25 सितंबर को मनवालाके के लिए प्रचार संगीत वीडियो जारी किया गया था जिसमें एल्बम लॉन्च होने के बाद लवली नॉनसेंस की नाइट और सतकली गाने के प्रचार वीडियो भी जारी किए गए थे इंडिया वाले को जस्ट डांस नाउ जस्ट डांस 2015 डाउनलोड करने योग्य सामग्री के रूप में चित्रित किया गया था और यह जस्ट डांस अनलिमिटेड सेवा का हिस्सा था साउंड ट्रैक को संगीत समीक्षकों द्वारा ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली हैं द टाइम ऑफ इंडिया में कास्मीन फर्नांडीज ने महसूस किया है कि एक चोरी की फिल्म के रूप में एक नृत्य प्रतियोगिता के आसपास केंद्रित है तो हैप्पी न्यू ईयर संगीतकार विशाल शेखर और गीतकार इसाद कामिल को धुनियों के साथ अपना रास्ता दिखाने के लिए भरपूर चारा प्रदान करता है और उन्होंने वितरित किया है कि साथ में सात मोल ट्रैक एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण एक विविधता एक मेडली और एक वाद्य संख्या हिंदुस्तान टाइम्स के लिए रोहित वत्स ने एल्बम को पाँच में से तीन सितारे दिए हैं और कहा है कि फराह खान गाने की गुणवत्ता की तुलना में अपनी फिल्म की भावना के बारे में अधिक चिंतित दिखती हैं और उन्हें आधुनिक धुनों के साथ जाने के लिए प्रेरित करती हैं कुल मिलाकर एल्बम औसत और केवल युवा उन्मुख है इस एल्बम के लिए लंबी उम्र हासिल करना मुश्किल होगा इंडिया डॉट कॉम के लिए प्रथमेश जाधव ने लिखा है कि एक मिश्रित बैग है इसके विपरीत कोई मोई के लिए आलोचक रेडर ने महसूस किया है कि हैप्पी न्यू ईयर एल्बम उतना असाधारण नहीं है जितना कि फिल्म दिखती है बॉलीवुड म्यूजिकल साउंड की अपेक्षा के साथ ये विशाल शेखर के एक नियमित एल्बम में आता है यहाँ तक कि हालांकि एल्बम मनवा लागे और कमली जैसे ट्रैक के साथ हिट होगा लेकिन यह सबसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा तो इस फिल्म को दुनिया भर में फिल्म ने तीन करोड़ यूएस एस चौंसठ मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी जो इसे अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई है तो हैप्पी न्यू ईयर चवालीस पॉइंट सत्तानवे करोड़ का संग्रह करके एक रिकॉर्ड बनाया और ये एक ही दिन में आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी आमिर खान अमिताभ बच्चन कटरीना कैफ और फातिमा सनाशेख आपने दो 2018 की दिवाली रिलीज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान द्वारा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था जिसने पहले दिन बावन पॉइंट पच्चीस करोड़ का सकल संग्रह किया था जो वर्तमान में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए दूसरा सबसे अधिक है और यह रिकॉर्ड युद्ध द्वारा तोड़ा गया था जिसने संग्रह किया था और पहले दिन तिरपन पॉइंट पैंतीस करोड़ फिल्म ने शनिवार को शुद्ध रूप से दो सौ पचासी मिलियन की कमाई में गिरावट देखी और रविवार को संग्रह एक ही सीमा में थे शुरुआती सप्ताह में रिकॉर्ड नौ सौ सत्तर मिलियन नेट तक ले गए थे इस फिल्म ने दुनिया भर में अपने पहले सप्ताह लगभग वन मिलियन की कमाई की और धूम थेरी के बाद किसी हिंदी फिल्म के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी शुरुआत थी फिल्म ने अपने पहले सोमवार को लगभग एक मिलियन की कमाई की और चार दिनों में कुल मिलाकर 1.09 मिलियन हो गई थी इसने कमाए और हफ्ते में फिल्म को लगभग सात सौ सत्तर मिलियन का भारी वितरक हिस्सा मिला फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में दुनिया भर में टू पॉइंट पैंतालीस अरब रुपए की कमाई की थी जो धूम थ्री के बाद अब तक की चौथी सबसे बड़ी कमाई थी इसने क्योंकि फिल्म ने सोमवार से कुछ सर्किट में एक अच्छी पकड़ बनाई थी जो पाँच दिनों में कुल 1.20 मिलियन नेट तक पहुंच गई थी हाइपिन ईयर ने अपने पहले सप्ताह में वन मिलियन की भारी कमाई और फिल्म का सप्ताह अच्छा रहा और सोमवार और मंगलवार को अखिल भारतीय संग्रह अच्छा रहा लेकिन बुधवार को इसमें गिरावट आई थी किक और चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करणों ने पहले सप्ताह में क्रमशः ग्यारह मिलियन नेट और छब्बीस मिलियन हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे शुक्रवार को लगभग 45 मिलियन नेट का अच्छा संग्रह किया था फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार और रविवार को लगभग सड़सठ पॉइंट पाँच मिलियन नेट और बानबे पॉइंट पाँच मिलियन की नेट कमाई के साथ भारी वृद्धि दिखाई थी हैप्पी न्यू ईयर ने दूसरे सप्ताह के अंत में लगभग दो सौ दो पॉइंट पाँच मिलियन की कमाई की जिससे उसका दस दिन का कुल नेट वन पॉइंट चौवन मिलियन हो गया था फिल्म ने दूसरे सोमवार को लगभग तीस मिलियन की शुद्ध कमाई की थी और दूसरे मंगलवार को चालीस मिलियन की शुद्ध कमाई की और दूसरे बुधवार को सत्ताईस मिलियन की कमाई की थी you